जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। नीट वाले बच्चों को तो कुछ ज्यादा ही दे दिए। आजो आजो। अब ये मैसेजेस नहीं करते रहना, मैम 5 मिनट लेट हो, मैम 10 मिनट लेट हो। चुप हो जाओ, मॉर्फोलॉजी पढ़ानी है, मॉर्फोलॉजी। अब ये मैसेजेस नहीं करते रहना, मैम 5 मिनट लेट हो, मैम 10 मिनट लेट हो। चुप हो जाओ, मॉर्फोलॉजी पढ़ानी है, मॉर्फोलॉजी। अब ये मैसेजेस नहीं करते रहना मैम। आवाज़ ठीक है, शक्ल ठीक है? शक्ल तो खैर जैसी है वैसी है, तुम्हें दिख रही है? पूछना ये चाह रही थी मैं। इसका वो कहाँ गया? आओ मॉर्फोलॉजी पढ़ें 2022 के लिए। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। मेरा नाम रितु रतेवाल है और मैं आज आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज़। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मॉर्फोलॉजी में रट्टे बहुत हैं तो अपने को रट्टे लगाने सारे के सारे। एग्ज़ाम में कितने दिन रह गए? हार्डली हमारे पास 12-13 दिन रह गए हैं, तो अब नहीं तो कब रट्टी लेते हैं, PYQs कर लेंगे, रट्टे मार लेंगे मॉर्फोलॉजी के, मतलब हमारा एग्ज़ाम सही निकल जाए, बाकी तो सब चल जाएगा। गुड आफ्टरनून, आ जाओ। गुड आफ्टरनून। आ जाओ, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का तीसरा पार्ट करा दूंगी मैं, ध्यान से सुनते रहना मेरी बातें, ठीक है? मैम एग्जाम्पल नहीं याद रहते, वही कोशिश कर रही हूँ कि एग्जाम्पल तुम लोगों को याद करा दूँ। सो मैं क्या करूँगी, पहले मैं नोट से पढ़ाऊँगी, फिर थोड़ा सा जितना NCERT से पढ़ना है NCERT से पढ़ेंगे, NCERT के डायग्राम्स देखेंगे, फिर PYQs करेंगे, मतलब अपना एग्जाम में 100% मार्क्स आ जाए। अपने को मॉर्फोलॉजी में कोई बहुत बड़ा धुरंधर नहीं बनना है, अपने को ये कोशिश करनी है कि अपना एग्जाम में 100% क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है? चलो, अनअकैडमी का 2023 का बैच शुरू हो चुका है, जिसमें मैं 2023 को पढ़ाना शुरू कर चुकी हूँ। आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा तुतलाने लगी हूँ एग्ज़ाम के प्रेशर में, प्लीज़ इग्नोर दैट। सो आवर क्लासेस फॉर 2023 एंड 2024 हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों में ही लाइव क्लासेस और टेस्ट होंगी। आइकॉनिक में आपको बेनिफिट अलग से ये मिलता है कि यू गेट अ मेंटर जो कि आपको गाइड करेंगे, देन आपको वीकली प्लानर मिलता है, प्लस आपको जो नोट्स हैं वो PDF के रूप में, प्रिंटेड नोट्स के रूप में आपके घर पे आते हैं। सो देर आर वेरियस एडवांटेजेस। दोनों ही सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं RITU। आपको करना क्या होता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होता है, वहाँ से NEET UG सेक्शन पे जाना होता है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना होता है, 1 या 2 ईयर्स या जो भी आपको चूज़ करना है आप वो चूज़ कर सकते हैं। नीचे जो भी फीस होगी उसको लेस करने के लिए, जो भी उस टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा, नीचे कोड की जगह दी होती है, वहाँ पे RITU रितु मेरा नाम भरना है आपको, और वहाँ से अप्लाई करना है कोड को, आपको 10% ऑफ हो जाएगा। फिर आपको मेरी प्रोफाइल ढूंढनी है, उस प्रोफाइल को आपको फॉलो करना है, और जिन भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी में, जितने टीचर्स हैं आप सबसे पढ़ सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि सबसे पढ़ो, आप अपने सेट ऑफ टीचर्स चूज़ करो कि आपको किससे पढ़ना है, एंड देन यू जस्ट फॉलो देयर प्रोफाइल, एंड जब भी वो पढ़ाएंगे तो उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा। मॉक टेस्ट के लिए अब तो खैर इनरोलमेंट बंद हो चुकी है। आइए, मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन सबसे पहले, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर अडेप्टेशन। एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं और उनकी अडेप्टेशन हैं, उनकी आपको स्टडी करनी है, ठीक है? विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनाटमी। अनाटमी में आप क्या करते हो, आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हो, टिश्यूज़ देखते हो, मॉर्फोलॉजी में नहीं देखते, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखते हो। तो आप कौन कौन से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। तो पहले आप रूट के बारे में पढ़ोगे, रूट के अलग अलग प्रकार, उसकी मॉडिफिकेशंस, उसके यूजेस अलग अलग, ठीक है? फिर एक स्टेम की मॉडिफिकेशंस पढ़ोगे, फिर लीफ की मॉडिफिकेशंस पढ़ोगे, फिर फ्लावर के बारे में पढ़ोगे। रूट,
अब रूट में अपने को क्या क्या तीन टॉपिक कवर करने हैं, अपने को कवर करना है, ये लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोगों को, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, कितने प्रकार के रूट सिस्टम होते हैं, दो ही प्रकार के रूट सिस्टम होते हैं, दोनों अपने को पढ़ने हैं, कौन सा कहाँ पे मिलता है ये बात ध्यान रखनी है, रीजन्स ऑफ रूट, एक रूट के रीजन्स कितने होते हैं, तीन रीजन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो याद रखने हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, आप रूट को किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, देखो रूट का प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है, वाटर को मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, सॉयल से, और वहाँ से फिर जाइलम जो है वो ऊपर लेके चली जाएगी इन सब्सटेंसेस को, लेकिन रूट के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो कि आज हम लोग बात करेंगे क्लास में। अगर रूट के टाइप्स की हम बात करें तो दो प्रकार की होती है, ट्रू रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स। ट्रू रूट होती हैं जो कि जैसे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है तो ये प्लम्यूल होता है जिससे पूरा शूट सिस्टम बनता है, और ये रेडिकल होता है जिससे रूट सिस्टम बनता है। अब जो भी रूट रेडिकल से बनती है वो ट्रू रूट कहलाएगी, क्योंकि भैया तेरे को बनना ही रेडिकल से था ना, तू कहीं और से मत बन, लेकिन अगर तुम रेडिकल के अलावा किसी भी और जगह से बन रहे हो तो तुम एडवेंटेशियस रूट हो, ठीक है, तुम स्टेम से निकल गए, ठीक है, तुम कहीं और से जाके निकल रहे हो तो तुम एडवेंटेशियस रूट हो, फॉर्म्ड फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, ये वाली बात क्लियर हो गई, ट्रू और एडवेंटेशियस रूट में फ़र्क पता चल गया। देन टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, ये तो टाइप्स ऑफ रूट थी, ट्रू रूट्स और एडवेंटेशियस रूट्स, अब टाइप ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम में आप पढ़ोगे टैप रूट सिस्टम और फाइबरस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होगा, एक सेंट्रल मेन रूट होगी, प्राइमरी रूट, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे लिखो ऋतु रत्तेवाल, वहां पे 75,000 बच्चों का ग्रुप है, उसमें ऐड हो जाओ, ठीक है, तो ये नोट्स मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगी। ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट के बस छोटे छोटे ऐसे रूट हेयर जैसे हैं, थोड़ा बहुत साइड में है, इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, एक सेंट्रल जो होती है, ये डाइकॉट्स में होती है, क्योंकि डाइकॉट्स बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, ठीक है, और यू नो उनको बहुत गहरे तक ज़मीन में जाके पानी खोजना पड़ता है, तो ये टैप रूट होती है, ऐसे अंदर तक गहरी चली जाती है, ऐसे याद रख लो, मतलब ये याद करने का तरीका है, डाइकॉट्स आर बिग तो वो नीचे भी उतने गहरे होंगे, कहते हैं ना अगर आपको ज़मीन के ऊपर इतना ऊंचा होना है तो आपकी जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए, डायलॉग सुनते हैं ना मोटिवेशनल स्पीचेस में, बस वही है कि तुम जितने ऊपर ऊंचे होगे उतना ही तुम्हारे नीचे टैप रूट होना चाहिए। फाइबरस रूट सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी रूट मर जाती है, जो रेडिकल से रूट निकलती है वो मर जाती है, ये मोनोकॉट्स में होता है, मोनोकॉट छोटे छोटे पौधे होते हैं ग्रीन ग्रीन स्टेम्स के साथ, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती उसमें, कोई थिकनेस नहीं बढ़ती, तो आप उस हिसाब से इमेजिन करेंगे, प्राइमरी रूट मर गई और स्टेम के बेस से रूट्स निकल गई, प्राइमरी रूट जो रेडिकल से बनी थी वो मर गई, तो मतलब ये तो एडवेंटिशियस रूट हो गई, फिर प्राइमरी रूट डाइज ऑफ, एडवेंटिशियस रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम द बेस बेसल पार्ट ऑफ स्टेम, ये PYQ है, विच टाइप ऑफ रूट इज फॉर्म फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ स्टेम, आंसर था फाइबरस रूट सिस्टम, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, मिलती है मोनोकॉट्स में, हो जाएगा, आगे चलो। रीजन्स ऑफ रूट, तीन रीजन्स होते हैं रूट के, सबसे नीचे जो सबसे एज पे होता है उसको बोलते हैं मेरिस्टमैटिक रीजन, जहाँ पे मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी चल रही होती है, यहाँ के सेल्स कभी मैच्योर नहीं होते, ये हमेशा मेरिस्टमैटिक ही रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, और ये प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, जो लेंथ में ग्रोथ होती है वो प्राइमरी ग्रोथ होती है, सो प्राइमरी ग्रोथ जो है मेरिस्टमैटिक रीजन की वजह से, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो थिकनेस में ग्रोथ होती है वो अलग ग्रोथ होती है, वो लेटरल मेरिस्टम्स वगैरह की वजह से होती है, इनकी वजह से नहीं होती, ठीक है, रूट और शूट एपिक्स की वजह से नहीं होती, ये प्राइमरी ग्रोथ लेंथ बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन जिसमें सेल्स बड़े हो जाते हैं साइज में, ठीक है, एंड फिर जब सबसे ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन जहाँ से रूट हेयर निकलने लगते हैं, आई थिंक ये भी क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ये रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मेरी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ, हर रोज सुबह 10 बजे मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट करती हूँ, बिल्कुल नीट पैटर्न पे, बॉटनी जूलॉजी 50-50 क्वेश्चंस, और फिर उसमें से 35 और 15, बिल्कुल जो अभी नीट का पैटर्न चल रहा है, और जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बिल्कुल नीट की ही रख रही हूँ मैं, तो अगर तुम वो पेपर नहीं दे रहे तो तुम अपनी बहुत बड़ी नुकसान कर रहे हो, वो पेपर आकर दो, अगर लाइव नहीं भी देने का मन करता रिकॉर्डेड दे दो, ठीक है, 1x 2x स्पीड पे करके दे दो, पर वो पेपर ज़रूर दो, क्योंकि दिस क्वेश्चन मुझे लगता है कि जो ये 10 टेस्ट हैं तो मान लो 1000 क्वेश्चंस भी हो गए, तो उस 1000 क्वेश्चंस में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको नीट में देखने को मिलेंगे, जो नीट 2022 होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही है ना जो बार बार घूम घूम के आ रहे हैं हर चैप्टर में से। अब टीचर को मान लो 10 साल हो गए पढ़ाते को, तो उसको पता है ना कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आने के चांस है, ये मैं सारा नहीं प्रिडिक्ट कर सकती,
एक एक चैप्टर में से मान लो 100 क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सारे नहीं प्रिडिक्ट कर सकती, लेकिन मैं कुछ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, जितने मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ उसमें से आने के चांसेस हैं। तो वो आप मॉक टेस्ट की सीरीज़ लगा लो, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी, उसके लिंक्स भी दिए हुए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी लिंक्स दिए हुए हैं। हर रोज़ सुबह 10 बजे स्पेशल क्लासेस में है, वो स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता तुम्हारा, वहाँ पे जाओ और वो क्लासेस लगाओ। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन आपको कहाँ मिलता है, तो ये था फार्दर अवे फ्रॉम द टिप, टिप से थोड़ा दूर मिलता है। आगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, फूड स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, ब्रीदिंग के लिए। फूड स्टोरेज के लिए प्राइमरी टैप रूट, टैप रूट की मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, मतलब ये ट्रू रूट्स हैं, प्राइमरी रूट है तो ट्रू रूट होगी, उसकी मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। कैरेट जिसमें कॉनिकल शेप में है रूट मॉडिफाइड, रेडिश जिसमें फ्यूजी फॉर्म शेप में, थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहिए था ये, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, फ्यूजी फॉर्म होता है ऊपर से भी पतला नीचे से भी पतला। देन टर्निप नैपी फॉर्म शेप, ऐसा ऊपर से ऐसे फ्लैट फिर नीचे से ऐसे ट्रायंगुलर। ये आपकी प्राइमरी टैप रूट की फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ मैंने स्वीट पोटैटो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्वीट पोटैटो और जो एस्पेरेगस है वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी रूट लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती थी वो वाली बात। ठीक है, सपोर्ट के लिए आगे पढ़ेंगे, ब्रीदिंग के लिए हम एक पढ़ते हैं। अच्छा, ये रहा, फूड स्टोरेज में प्राइमरी रूट के इधर है ये, अच्छा दो मार्किंग होगी ना इधर और इधर, ये लिखा है एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो और एस्पैरागस। तो ये बहुत बार PYQ आता है, बताओ स्वीट पोटैटो और पोटैटो में क्या डिफरेंस है, बताओ। तो पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा, बताओ स्वीट पोटैटो क्या है, स्टेम है, रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, ट्रू रूट है, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए, तो बच्चों को पता ही नहीं था। तो दिस इज एन एडवेंटिशियस रूट, सेम इज एस्पैरागस, एस्पैरागस की फोटो दी हुई है NCERT में, इसलिए डाला हुआ है यहाँ पे। सपोर्ट और ब्रीदिंग आगे चलते हैं। सपोर्ट प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, बटरेसिंग रूट। प्रॉप रूट में क्या है, जैसे बनियन में होता है ये पौधा है, यहाँ से रूट निकल गई, स्टेम में से रूट निकल गई है, तो एडवेंटिशियस रूट ही निकली है। ठीक है, उसको सहारा देने के लिए। देन स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट क्या होता है, जैसे स्टिलेटोज होती है ना, स्टिलेटोज क्या होती हैं, जूतियाँ होती हैं ना, सैंडल, तो वो पैरों में पहनी जाती है, तो ये बिल्कुल पैरों से निकलती है रूट, ऐसे नीचे वाले नोड से निकलती है, ऊपर से नहीं निकलती, ऊपर से नहीं निकलती, सिर्फ नीचे से। ये होती है शुगर केन, इसको बेसिकली सहारा देने के लिए, सीधा होता है ना शुगर केन गिर जाए फिर, सहारा देने के लिए शुगर केन एंड मेज में होती है। ठीक है, बटरेसिंग रूट, ऐसे ना रूट नीचे से ऐसे चौड़ी सी हो जाती है, ऐसे करके ऐसे चौड़ी सी हो जाती है ऐसे ऐसे, ताकि ये अच्छी तरीके से होल्ड कर ले ग्राउंड को। ठीक है, सपोर्ट के लिए वो भी। आगे लास्ट ब्रीदिंग रूट, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, PYQ आ चुका है। ये मिलती है आपको पहले तो कहाँ मिलती है, हेलोफाइट्स, नमकीन जहाँ जिसकी मिट्टी नमकीन है, एंड मार्शी एरियाज, ऐसे मार्शीज, मार्शीज मतलब दलदल, ऐसे दलदली एरियाज में मिलती है जिसमें मिट्टी के अंदर पानी है और वो दलदल बना हुआ और वो पानी नमकीन है, तो वो हेलोफाइट्स भी हो गए। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है राइजोफोरा, इस पे भी PYQ आया हुआ है, बहुत PYQs। राइजोफोरा नाम के पेड़ में मान लो यहाँ पे पानी है, मतलब दलदली मिट्टी है, यहाँ दलदली मिट्टी है, तो रूट्स क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती हैं। जियोट्रॉपिक तो होती है जनरली, रूट्स आर जियोट्रॉपिक, वो जमीन में जाना चाहती है, लेकिन यहाँ से उल्टी आ जाती है ऐसे। ठीक है, क्यों, सांस लेने के लिए। आपको पता है प्लांट्स के पास अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ऐसा जैसे हमारा होता है कि हम सांस लेके पूरी बॉडी में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन गैशियस एक्सचेंज, तो रूट्स को यू नो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो अब रूट्स को जमीन से सांस नहीं ले पा रही है, जनरली तो जमीन से जो ट्रैप्ड एयर होती है उससे ले लेती हैं ये सांस, यहाँ पे दलदल है, ट्रैप्ड एयर है ही नहीं, तो ये ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, इनको न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, इन पे जो छेद होते हैं इनको न्यूमैथोड्स बोलते हैं, रूट्स को न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। रूट की मॉडिफिकेशन हो गई, रूट खत्म है, चलो आगे। क्या हुआ, साउंड कैसे आ रही है, कौन सी साउंड आ रही है, रूट की प्राइमरी टैप रूट की फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है।
ठीक है, यहाँ मैंने स्वीट पोटैटो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्वीट पोटैटो आगे लास्ट ब्रीदिंग रूट, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, पी वाई क्यू आ चुका है। ये मिलती है आपको पहले तो कहाँ मिलती है, हेलोफाइट्स, नमकीन, जहाँ जिसकी मिट्टी नमकीन है, एंड मार्शी। क्या हो गया, मुझे तो सही लग रही है। एंड मार्शी क्या हो गया, मुझे तो सही लग रही है। क्या हो गया, मुझे तो सही लग रही है। अभी सही चल रही है, अब चला लो, अब पढ़ा दूं। आप पढ़ा दूं, जल्दी बोलो। आपकी सांस की आवाज़ है भाई, ये इरिटेटिंग आवाज़ मेरी सांसों की है, फिर समझो। आपकी सांस की आवाज़ है, बुढ़िया औरतों के सांस लेने से ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। यू हैव टू टॉलरेट इट आई थिंक। क्या करें बेटा, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। चलो आगे चलो, स्टेम पे आ जाओ। स्टेम के दो पार्ट हैं, स्टेम का स्ट्रक्चर और स्टेम का मॉडिफिकेशन। देखो ऐसी आवाज है ना, ये तो मेरी है बेटा। स्टेम क्या है, देखो ये डंडी को स्टेम बोलते हैं, ठीक है। स्टेम में ऐसे बीच बीच में जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, वैसे स्टेम में भी डिब्बे होते हैं। तो जहाँ पे ये ऐसे बीच में जो पार्टीशन है, इसको नोड बोलते हैं। इसके बीच में जो जगह है दो नोड्स के बीच में, इसको इंटर नोड बोलते हैं। और नोड पे आपको एक्सिलरी बड मिलती है। एक्सिलरी बड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम। तो जो एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन मानी जाएगी, एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन होगी। इसकी मॉडिफिकेशन को स्टेम मॉडिफिकेशन मानेंगे हम। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा माइक से आ रही है, अच्छा चलो भाई अब कुछ नहीं कर सकते, आओ अब तो यही है। स्टेम का स्ट्रक्चर पता चल गया, अब मॉडिफिकेशन पे आ जाओ। तीन प्रकार की मॉडिफिकेशन मिलेगी स्टेम के अंदर। एक स्टेम जो जमीन के नीचे है, जो तुम्हें दिख भी नहीं रही है, अंदर ही अंदर मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है। एक जो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर है, जैसे ये ज़मीन है, देखो अंडरग्राउंड में तो क्या है, स्टेम यहाँ पे है, यहाँ पे मॉडिफाई हो रही है। ये ज़मीन के जस्ट ऊपर आके जो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, वो सब एरियल मॉडिफिकेशन। और एरियल मॉडिफिकेशन कहते ही पूरी स्टेम में आपको ऊपर ऊपर तक देखने मिलेंगी मॉडिफिकेशन। सो जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है वो आपकी चार प्रकार की है, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या है, आगे देखो। ट्यूबर आपको मिलता है पोटैटो में, मतलब शेपलेस सा होता है ट्यूबर। स्टेम ही है, जो मेन स्टेम है वो मॉडिफाई कर गई है, ठीक है, पोटैटो में मिलती है। कैसे पता चला पोटैटो हमारी स्टेम है, क्योंकि आपको यहाँ पे आई दिखाई देती है और बड दिखाई देती है। तो आपको ये बेसिकली एक्सिलरी बड्स हैं, ये दिस इज अ स्टेम, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे आई, मतलब ऐसे गड्ढा सा नजर आएगा और उसमें आपको बड नजर आएगी, तो दीज आर एक्सिलरी बड्स। तो एक्सिलरी बड तो स्टेम का पार्ट है ना, एक्सिलरी बड तो स्टेम का पार्ट है ना, तो इसलिए। दूसरा राइजोम, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली ये स्टेम उग जाती है अंदर जाके, इसमें बहुत क्लियरली आपको नोड्स नजर आती हैं ऐसे ऐसे करके। ये आपको मिलेगी जिंजर और टर्मरिक में। अगर आपने कभी जिंजर और टर्मरिक देखा है तो आपको पता है कि उसके अंदर ऐसे स्केल ऐसे नज़र से आते हैं, वो नोड्स हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ पर टर्मिनल बड भी नज़र आती है, तो ये भी प्रोपगेशन के काम भी आ सकता है, ये भी प्रोपगेशन के काम आ सकता है, स्टोरेज तो है ही है, ठीक है। कॉर्म आपको मिलेगा कोलोकेशिया में, सी से कॉर्म, सी से कोलोकेशिया। देन आपको मिलेगा बल्ब, बल्ब क्या होता है, ये मिलता है आपको गार्लिक और अनियन में। देखो कितना सुंदर गार्लिक है, ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरी टीम ने बनाया, कितना सुंदर है। देखो गार्लिक और अनियन, उसमें क्या होता है, जो नीचे जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, वाइट से नहीं,
जो ये वाला स्ट्रक्चर है, नीचे वाला स्ट्रक्चर जिस पे की वो लगी होती है, जो आप खाते हो चीज़, जो नीचे ऐसे चक्री सी नहीं लगी होती नीचे फ्लैट, ये है बल्ब बेसिकली। फ्लैटन स्टेम है, शॉर्टन स्टेम है। जो खाते हो वो तो फ्लैशी लीव्स हैं, जो खाते हो वो फ्लैशी लीव्स हैं। जो नीचे लगी हुई है ये फ्लैटन स्टेम को हम बल्ब कहेंगे। बल्ब को बल्ब बिल से नहीं कन्फ्यूज करना है, ठीक है। बल्बिल क्या होती है? फ्लैशी बर्ड्स होती हैं, अगेव में होती हैं, अगेव से बर्ड्स गिर जाती हैं, नया अगेव का प्लांट बना लेती हैं, ठीक है। बल्बिल से कंफ्यूज नहीं करना है। बल्ब ये हो गई अपनी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ट्यूबर, पोटैटो, राइजोम, जिंजर और टर्मरिक, और कौन सा था, कॉर्म, कोलोकेशिया, बल्ब, जिंजर, ये क्या कहते हैं, गार्लिक एंड अनियन। अब आ जाओ सब एरियल मॉडिफिकेशन में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के काम आती हैं ये, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे किसी वेजिटेटिव पार्ट से नया पौधा बन जाएगा। इसमें आपके गैमीट्स की फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि होता नहीं, आप रोज़ का एक टहनी काट के दूसरा रोज़ लगा, मतलब दूसरा रोज़ का प्लांट बना लेते हो, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। आप किसी नॉन सेक्सुअल पार्ट से नया पौधा उगा लेते हो, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। सो पहला हम पढ़ेंगे रनर। रनर क्या है? जमीन जमीन पे ऐसे बिल्कुल साथ में से भागती रहती है, लेट के ऐसे भाग जाती है, बिल्कुल जमीन पे ही पड़ी रहती है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल पढ़ते हो ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी का, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ग्रासेस के बीच में स्ट्रॉबेरी ऐसी भाग रही है, ओ मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो, एंड शी इज रनिंग बिटवीन द ग्रासेस। ग्रासेस के बीच में स्ट्रॉबेरी भाग रही है, याद कर सकते हो तुम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टोलन, ये जिसे स्टील से याद करेंगे हम इसको, जैसे चोर नहीं होता ऐसे जंप मार मार के जा रहा है, टण टण, फिर ऐसे जंप मार रहा है, टण 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 टण। तो इसका क्या होता है? इसकी जो स्टेम है, सब एरियल स्टेम है, मतलब बिल्कुल ज़मीन के साथ, वो एक बार ऊपर आएगी और फिर नीचे फिर से जहाँ टच करेगी, और यहाँ पर नोड होएगा, जहाँ पर भी ये टच करेगी वहाँ पर ये नई रूट्स निकाल लेगी और एक नया पौधा बना लेगी। फिर इसकी स्टेम आगे निकलेगी ऐसे, फिर जहाँ पे ज़मीन को टच करेगी वहाँ पे रूट्स निकाल लेगी और नया पौधा बना लेगी, समझ रहे हो। तो ऐसे आपने याद करना है कि चोर है जो ऐसे कूद कूद के जा रहा है, ठीक है। और चोर अच्छी चीज़ें चुराएगा, खुशबू वाली चीज़ें चुराता है। जैस्मिन, वेरी नाइस स्मेल, एंड मिंट, जैस्मिन मिंट, क्लियर। आगे चल, ऑफसेट, इसको बहुत प्यार से याद करना है, इसमें बहुत सारे पी वाई क्यू आते हैं। ऑफसेट को याद रखना है अपसेट से, हम बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट है। किससे अपसेट है? हम अपसेट हैं आईशॉर्निया से, वाटर हाइसेंस से, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या था? ये एक एलियन स्पीशीज़ है इंडिया में। ये एलियन स्पीशीज़ का मतलब ये नहीं कि मंगल ग्रह से आई है, एलियन स्पीशीज़ का मतलब है कि हमारी कंट्री की नहीं है, उस हमारे रीजन्स की नहीं है। तो ये इसके बड़े सुंदर ना वॉयलेट फ्लावर्स होते हैं, बड़े ऐसे मोव कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो ये आई, हम कहीं से ले आए बाहर से, कि हमने कहा यार अपनी रिवर्स में लगाएंगे, सुंदर फूल देखेंगे, है ना, आँखों को आनंद देंगे। लेकिन ये क्या करती है? ये ऑफसेट नाम के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है, और इसने क्या किया, पूरी रिवर्स पे, पूरी पॉन्ड्स पे ये फैल गई। उससे क्या हुआ? जब इतना ज़्यादा अगर प्लांट्स होते हैं रिवर्स में तो आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं, क्यों मैम, ये तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। नहीं बेटा, जब ये मरेंगे तो ये बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर रिवर के या पॉन्ड के बेस पे जमा कर देंगे, उसको डिग्रेड करने के लिए बहुत सारा बैक्टीरिया उन्हें खाने लग जाएगा, डिग्रेड करने लग जाएगा। वो बैक्टीरिया एरोबिक होता है, तो वो उस पॉन्ड की घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको चूस लेगा, सारा वो ऑक्सीजन यूज़ कर लेगा, जिससे पॉन्ड के फिश और अदर जंतु जो हैं वो बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। हालांकि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दे आर ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, बट जितनी ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये इनके पापों को धोने के लिए काफ़ी नहीं है। जो इनको डिग्रेड करने में जितनी ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ऑफसेट होता है थिक शॉर्ट ब्रांच इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में। ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है, यहाँ से ऐसे निकलेगी जैसे रनर होती है वैसे, लेकिन ये बहुत मोटी होती है, थिक होती है और शॉर्ट होती है, और ये फिर यहाँ पे एक नया प्लांट ये आपको मिलता है। पिस्टिया, पिस्टा नहीं है ये, पिस्टिया है, पिस्टिया, ठीक है। ये भी वाटर प्लांट है, एंड आईशॉर्निया। सक्कर, आपकी लाइफ किसने सक कर ली है? पीसीबी ने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ने। तो इसके एग्जांपल्स यही हैं, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना। ये क्या होता है?
ये ज़मीन के नीचे से ऐसे 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 टेढ़ी 45 डिग्री पे ऐसे ब्रांचेज निकलती हैं, और जहाँ पे ये निकलती हैं वहाँ पे ये रूट्स बना लेती हैं, और यहाँ से एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, एरियल मॉडिफिकेशंस पे आ जाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं? अभी अभी तो कोई आवाज़ में दिक्कत नहीं? दिक्कत तो नहीं अभी? अभी तो कोई आवाज़ में दिक्कत नहीं? कुछ नहीं है, सही है। मैम आपकी आवाज़ और इशारों में कुछ सेकंड के डिफरेंस है। चलो ठीक है, इशारे तो तुम समझ ही रहे हो। चलो आगे, बढ़िया बढ़िया। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, और अपन ने पढ़ा सब एरियल मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में अपन ने पढ़ा ट्यूबर, पोटैटो, राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, कॉर्म कोलोकेशिया एंड बल्ब नीचे से, फ्लैट एंड स्टेम, अनियन एंड गार्लिक। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा सब एरियल। थोड़ा ऊपर आ जाओ, थोड़ा ऊपर आ जाओ मैम, थोड़ा ऊपर। ठीक है, रनर कौन भाग रही है? स्ट्रॉबेरी ग्रासेस में भाग रही है। ओह सच अ गुड डे ऑफ माई लाइफ। ठीक है, देन स्टोलन ऐसे जंप करता हुआ थीफ स्टील करके लेके जा रहा है क्या? जैस्मिन मिंट। देन और क्या था? ऑफसेट आईश्वर्या पिस्टिया। देन पीसीबी सकर। ठीक है, पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम बनाना। देन अब हम आ गए एरियल मॉडिफिकेशन पे। मतलब ये बहुत कुछ तो इसमें एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन है, जैसे कि टेंड्रिल। एक्सिलरी बड जो है, एक्सिलरी बड जो थी वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गई, जैसे कि क्यूकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स। अब इस बात को ध्यान रखना है, देर इज समथिंग कॉल्ड लीफ टेंड्रिल, जहाँ पे लीफ जो है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। तो ये टेंड्रिल और वो टेंड्रिल एनालॉगस है, क्योंकि इनका फंक्शन सेम है, चीज़ों को होल्ड करना सपोर्ट के लिए, बट इनका ओरिजिन सेम नहीं है। ये एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन यानी स्टेम की मॉडिफिकेशन है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लीफ टेंड्रिल से, तो वो लीफ की मॉडिफिकेशन है, लीफ जाके टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि ये तो मैंने ऐसे बना देती हूँ मैं, बट लीफ जाके टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दे आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। ये आपको पी में मिलता है, लीफ टेंड्रिल। इसको साथ में लिख लो। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल या एक्सिलरी बड का टेंड्रिल क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेपवाइन में मिलता है। ठीक है, देन यही एक्सिलरी बड थॉर्न्स में भी मॉडिफाई हो सकती है। ठीक है, जैसे कि बोगनविलिया सिट्रस में यहाँ पे कांटे बन जाएंगे। तो इसका और इसका क्या है? अगर मैं इस टेंड्रिल और इस थॉर्न की बात करूं, तो ये कैसे स्ट्रक्चर है? दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये सेम ओरिजिन है बट फंक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसका होल्ड करना फंक्शन है चीज़ों को, और इसका ये सपोर्ट करते हैं, इसका प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, अब इसके कांटे, अगर इसके कांटे तुम कंपेयर करो कैक्टस के कांटों से, अगर इसके कांटे तुम कंपेयर करो कैक्टस के कांटों से, तो इनका ओरिजिन बिल्कुल डिफरेंट है। ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है, वो लीफ की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, फाइलोक्लेड, ये आता है पेपर में बहुत, फाइलोक्लेड, क्लाडोड, फाइलोड, ये बहुत आता है क्वेश्चंस में। फाइलोक्लेड क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन है। अभी तक स्टेम मॉडिफिकेशन में तुमने क्या पढ़ा? सिर्फ टेंड्रिल एंड कांटे। टेंड्रिल किसकी मॉडिफिकेशन थी? एक्सिलरी बड की। कांटे भी एक्सिलरी बड की। टेंड्रिल कहाँ मिलेगा आपको? क्यूकम्बर, ग्रेपवाइन और जितने कुकुरबिटेसी वाले वो हैं, पंपकिन पुमकिन है। ठीक है, कांटे कहाँ मिलेंगे? सिट्रस, बोगनविलिया। अब फाइलोक्लेड क्या है? स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। पूरी की पूरी स्टेम ही मॉडिफाई हो गई फोटोसिंथेसिस के लिए, भारी स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, सक्यूलेंट सा स्ट्रक्चर बन गया, और जो ये जो लीफ हैं वो कांटों में मॉडिफाई हो गए ताकि वाटर लॉस ना हो। ज़ीरोफाइट्स में मिलती है ये मॉडिफिकेशन। ज़ीरोफाइट्स जहाँ पानी नहीं मिलता, वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स। ठीक है, तो आपको दो मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिल रही है, लीफ की मॉडिफिकेशन भी देखने के लिए मिल रही है और स्टेम की भी देखने के लिए मिल रही है। बट हम यहाँ पे स्टेम की बात करते हैं, ऐसे स्टेम को फाइलोक्लेड कहते हैं। ठीक है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लैडोड। क्लैडोड क्या है? ये छोटा फाइलोक्लेड है। ओनली 1 to 2 इंटरनोड्स आर मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। पूरी की पूरी स्टेम नहीं मॉडिफाई होती, सिर्फ 1-2 इंटरनोड्स मॉडिफाई हो जाती हैं। क्लैडोड का आपको एग्जांपल नहीं लर्न करना। अब इनको आपने कंपेयर करना है फाइलोड से।
फाइल लोड को आपने याद रखना है एक्सप्लोड से, आपका ब्रेन ही एक्सप्लोड हो जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है. इज टोटली डिफरेंट. पिटियोल इज मॉडिफाइड टू डू फोटोसिंथेसिस. ये PYQ है, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में मिलता है. इसमें क्या होता है पिटियोल, क्या होता है लीफ के नीचे जो ये डंडी होती है इसको पिटियोल कहते हैं. तो इसमें क्या होता है ये जो डंडी है ये फोटोसिंथेटिक हो जाती है ऐसे, और लीफ बेचारा छोटा सा हो जाता है और फिर टूट के भी गिर जाता है अल्टीमेटली. तो कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है, डंडी से फोटोसिंथेसिस हो रहा है. दिस इज फाइलोड, ठीक है. दिस इज फाइलोक्लेड, दिस इज क्लैडोड, दिस इज फाइलोड. तीसरे वाला फाइलोड इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ, यू नो, सिर्फ कंपेयर करने के लिए. यहाँ पे लीफ का पार्ट है ना, जो लीफ की डंडी है वो लीफ का पार्ट है, ठीक है. तो इट इज़ नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, ये सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करने के लिए है. क्लैडोड और फाइलोक्लेड स्टेम मॉडिफिकेशन है. फाइलोक्लेड, ये जो फाइलोड है वो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, ये लीफ मॉडिफिकेशन है. लिख देते हैं अब तुम कहोगे मैम वो तो डंडी की मॉडिफिकेशन है, लीफ की थोड़े बेटा, लीफ का पार्ट होता है डंडी भी. लीफ पे आ गए, समझ में आए? समझ में आए? भाई मेरे को तो नहीं आ रही साउंड प्रॉब्लम, तुम लोगों को आ रही है साउंड प्रॉब्लम? लीफ पे आ जाओ. लीफ में आपको क्या करना है, इजी इजी टॉपिक्स हैं सारे के सारे. लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ की वेन्स कैसे कैसे होती हैं, वेनेशन, लीफ के टाइप, ठीक है, सिंपल कंपाउंड लीफ, फाइलोटैक्सी, लीफ की अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर और लीफ की मॉडिफिकेशन. स्ट्रक्चर हम लोग यहीं पे देख लेते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ये जो फैला हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं लैमिना. जो ये डंडी होती है ये इसे बोलते हैं पिटियोल. ये जहाँ पे जुड़ा होता है स्टेम से इसको बोलते हैं लीफ बेस. कभी कभी यहाँ पे दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टिप्यूल्स. यही अगर फ्लावर में होते तो इसको बोलते हैं ब्रैक्ट्स, ठीक है. और यहाँ पे आपको एक्सिलरी बड नज़र आएगी स्टेम और लीफ के इस एरिया में, आपको एक्सिलरी बड नज़र आएगी. यहाँ पे आपको दो स्टिप्यूल्स भी नज़र आ सकते हैं. वेनेशन एक होती है रेटिकुलेट वेनेशन, देख रहे हो, ये इस तरीके से वेनेशन, एक बीच में सेंट्रल मिडरिब और साइड में फिर छोटी छोटी वेन्स. एक होती है पैरेलल वेनेशन, ये आपकी मिडरिब और इसके पैरेलल में सारी वेन्स ऐसे से. पैरेलल बेचारी मोनोकॉट्स में होती है, और ये जो आप नॉर्मली देखते हो जैसे आम का पत्ता है, आम का पत्ता, आम इज़ अ डाइकॉट है ना, जितने भी सेकेंडरी ग्रोथ वाले प्लांट्स हैं वो डाइकॉट्स हैं. तो जिसकी भी ऐसे मोटी स्टेम हो जाती है वो डाइकॉट है. तो डाइकॉट में जनरली आप यही वेनेशन देखते हो. अपने नॉर्मल पत्ते देखो, पीपल का पत्ता देख लो, आम का पत्ता देख लो, ठीक है. सेकेंड टॉपिक डन. टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. सिंपल लीफ में क्या होता है, आपकी जो मिडरिब होती है यहाँ से यहाँ तक, ये मिडरिब है. आपकी लीफ का कुछ भी शेप हो, कटिया फटा सीधा, बट वो मिडरिब को टच नहीं करता, इट डज नॉट टच द मिडरिब. जैसे पीपल का पत्ता है, सिंपल लीफ है एक, ठीक है. कंपाउंड लीफ में क्या होता है, आपका जो ये है ये मिडरिब को टच कर जाता है ऐसे ऐसे. तो ऐसे लगता है कि ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, लेकिन ये छोटी छोटी पत्तियां नहीं हैं, ये एक ही पत्ते के पार्ट्स हैं. आपको कैसे पता चला ये छोटी छोटी पत्तियां नहीं हैं, क्योंकि जो स्टिप्यूल होता है वो आपको यहाँ मिलता है और एक्सिलरी बड मिलती है. स्टिप्यूल भी छोड़ो, स्टिप्यूल मिले ना मिले, एक्सिलरी बड आपको यहाँ मिलती है. अगर ये रियल में पत्तियां होती तो आपको एक्सिलरी बड यहाँ भी मिलती, लेकिन आपको एक्सिलरी बड यहाँ नहीं मिलती. दैट मीन्स वो एक ही पत्ते के पार्ट्स हैं, समझ रहे हो,
ऐसे एक ही लीफ ऐसे बहुत सारे लीफलेट्स में बट जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, देखो ये तो एक कंपाउंड लीफ है, कभी कभी ऐसे होता है ये रियल लीव्स हैं। तो रियल लीव्स हैं या लीफलेट हैं उसको जानने के लिए एक ही तरीका है, इसके एक्सेल में देख लो। अगर यहाँ पे एक्सेलरी बर्ड है तो समझ जाओ ये लीफ है, इसकी इज्जत करो। अगर इसके एक्सेलरी बर्ड नहीं है तो हट, धोखेबाज, लीफलेट है तू, औकात में रह, समझ रहे हो इस तरीके से। सो कंपाउंड दो प्रकार की है, पिनेट एंड पाल्मेट। पिनेट में क्या है, जैसे नीम में है ये सेंट्रल मिडरिब को रैकिस बोलने लगते हैं, ठीक है, और ये लीफलेट होती हैं। हमें कैसे पता है कि ये लीफ है और लीफलेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सिलरी बर्ड नहीं है, ठीक है। नीम इसका एग्जांपल है, नीम की टहनी तो तुमने देखी हुई है। पाल्मेटली तुम्हारी पाम की तरह होता है, ठीक है, ये आपका पिटियोल है और यहाँ पे आपके ऐसे बन जाती हैं लीफलेट, ठीक है, कुछ ऐसे। ये पिटियोल है, इसको आपको ऐसे रखना है, आपके पाम पे थोड़ा सा सिल्क और थोड़ा सा कॉटन रखा हुआ है आपने, ऐसे इमेजिन करो, थोड़ा सिल्क थोड़ा कॉटन, ठीक है, सिल्क कॉटन ट्री। क्यों रखा होगा वैसे सिल्क और कॉटन तुमने, दे दे बाबा सिल्क और कॉटन, हाथ में सिल्क और कॉटन रखा हुआ है, याद रखो। फाइलोटैक्सी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, फिर हमने पढ़ा वेनेशन ऑफ लीफ, कैसे कैसे वेन्स जाती हैं, फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ लीफ, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, कंपाउंड में पिनेट पाल्मेट। अब हम पढ़ रहे हैं एक स्टेम के ऊपर कैसे कैसे पत्ते अरेंज होते हैं। देखो ये कितना सुंदर पत्ता है, ऐसा तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ना बना पाऊँ यार, इट्स अ ब्यूटीफुल पत्ता, ठीक है। तो ऑपोजिट, ऑल्टरनेट और वर्ल्ड, तीन प्रकार की फाइलोटैक्सी होती हैं। ऑपोजिट में क्या होता है, एक ही नोड पे ऑपोजिट, एक इस साइड पे लगा हुआ है, एक इस साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑपोजिट को हमने ऐसे किया था कागा से, कागा क्या होता है, क्रो, कि दो कागे ऑपोजिट होके लड़ रहे हैं, काउ काउ काउ। इसका है गा से क्या था, गुआवा, और का से था कैलोट्रॉपिस। लेकिन नीट 2013 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था जिसमें कहा था कि बताओ ऑपोजिट किस किस में है फाइलोटैक्सी, तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ था ऑसिमम का। ऑसिमम क्या होता है, तुलसी, जो कि आपकी नीट में अभी एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्योंकि PYQ है और 10 सालों के अंदर आया हुआ है तो मैंने सोचा मैं लिखवा दूं, ठीक है। तो अब आपने इसको याद रखना है, ऑसम कागा, ठीक है, ऑसम कागा इज फाइटिंग विद अनदर ऑसम कागा ऑपोजिट, ठीक है। देन ऑल्टरनेट, इसमें क्या होता है, एक नोड पे एक इस साइड लगा हुआ है, अगले नोड पे इधर लगा हुआ है, अगले नोड पे इधर लगा हुआ है, अगले नोड पे इधर लगा हुआ है, ऑल्टरनेट। तो हमने कैसे याद किया था, उस टाइम जब मैंने ये याद कराया था तब बहुत ज़्यादा कोविड चला हुआ था, तो हमने ऐसे याद किया था कि चाइना में कोविड शुरू हुआ है तो चाइना के लोग साथ साथ सामने सामने नहीं खड़े होते कोविड के डर से, ऑल्टरनेटली खड़े होते हैं, एक इधर खड़ा होगा, एक इधर खड़ा होगा, एक इधर खड़ा होगा, एक इधर खड़ा होगा, एक इधर, मतलब ऑल्टरनेटली खड़े होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, एंड दे आर वेरी गुड पीपल, नाइस पीपल, है ना। तो वो इनके हाथ में एक एक सनफ्लावर होगा, इनके हाथ में एक एक सनफ्लावर होगा, और इतने अच्छे लोग हैं बालों में भी छोटे छोटे फूल लगा के रखते हैं येलो कलर के, यहाँ पे मस्टर्ड का फ्लावर लगा के रखते हैं, तो हाथ में सनफ्लावर, बालों में मस्टर्ड, ठीक है। और ये बेचारे अपनी लाइन में खड़े हुए हैं, तो एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ठीक है। वर्ल्ड, वर्ल होता है गोल, तो इसमें क्या होता है, एक ही नोड पे, जैसे मान लो ये नोड है, इसी पे चारों तरफ पत्ते लगवाए हैं, एक पत्ता इधर, एक पत्ता इधर, एक पत्ता इधर, एक पत्ता इधर, एक पत्ता इधर। देखो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में ये लीफलेट थे, एक एक लीफ नहीं था, ये एक एक लीफलेट था, एंड ये एक एक लीफ है, फर्क है, ठीक है। तो ये क्या है, घुमाना, वर्ल मतलब ऐसे घूमा हुआ, ठीक है। तो आपने क्या वर्ल करके आपने पत्थर फेंकना है जोर से, ठीक है, एल्स्टोनिया, स्टोन से याद रखो, पत्थर से, वर्ल द स्टोन, तो वर्ल द स्टोन एंड थ्रो इट, एल्स्टोनिया से, डन। आगे चलो, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये लास्ट टॉपिक है लीव का। स्ट्रक्चर पढ़ लिया, वेनेशन पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, फाइलोटैक्सी का पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए। फाइलोटैक्सी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। फाइलोटैक्सी, एस्टिवेशन, ये चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनो।
मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ फूड स्टोरेज के लिए, फ्लैशी लीव्स हो जाती हैं अनियन गार्लिक की, जो नीचे है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है बल्ब, लेकिन जो ऊपर है वो लीफ की मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल पी में मैंने जैसे बताया था। देन स्पाइंस कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्यों? वाटर को बचाने के लिए। जहाँ पे भी वाटर हम खर्च नहीं करना चाहते वहाँ हम लीफ का, क्योंकि सरफेस एरिया ऐसे होता है ना, वहाँ पे स्टोमेटा होते हैं तो वाटर लूज करता है, तो वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओपुंशिया, तो ओपुंशिया की जो स्टेम है वो फाइलोक्लेड है और जो लीव्स हैं वो कांटे हैं, तो लीफ का फंक्शन अब स्टेम कर रही है फोटोसिंथेसिस करके। ठीक है, एलोवेरा। देन इंसेक्ट कैप्चर, ये भी आई थिंक पी वाई क्यू है। इंसेक्ट कैप्चर, इंसेक्ट कैप्चर में आपको तीन पौधे याद रखने हैं, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉर्ट। पहली बात तो ये याद रखना है कि ये पौधों का सीन क्या है। ये पौधे फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि कस्क्यूटा की तरह पैरासिटिक हैं, कस्क्यूटा इज पैरासिटिक। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं लेकिन इनकी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये इंसेक्ट्स को मार मार के खा जाते हैं और उनसे नाइट्रोजन लेते हैं उनकी बॉडी से। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम्पल आ जाते हैं पेपर में, निपेंथिस, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वॉर्ट। ब्लैडर वॉर्ट का साइंटिफिक नेम यूटिकुलेरिया, याद रखना है। निपेंथिस का पिचर प्लांट, ये लीफ मॉडिफिकेशन है, जो इसका पिचर सा है ना, जिसमें ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भर के रखता है, जिसमें इंसेक्ट आता है तो यहीं का ही रह जाता है। बहुत याद आ रही है लोगों को मेरी। ठीक है, तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, सिमिलरली वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया, डायन जैसे नहीं दिख रहे इसके दांत पूरे इधर और इधर। ठीक है, तो ये भी लीफ का मॉडिफिकेशन है, ध्यान रखो। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड लीफ। यस, वी हैव फिनिश्ड लीफ। क्या मुझे भी, तुम लोगों को भी याद आ रही है मेरी? चलो, फ्लावर के अंदर आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़े होते हैं। फ्लावर्स में क्या क्या पढ़ना है हमें? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या है? फ्लावर्स की अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर, जैसे लीफ की अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहते हैं, जैसे लीफ की अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहते हैं, वैसे ही फ्लावर की अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें और उसके पार्ट्स पढ़ने हैं डिटेल में। पार्ट्स किस किस में पढ़ने हैं? हमने कैलिक्स को पढ़ना है, कोरोला को पढ़ना है, एंड्रोशियम को पढ़ना है और गाइनोशियम को पढ़ना है। जय माता दी बोलो, जय माता दी। और चलो फिर शुरू हो जाओ। चलो, इनफ्लोरेसेंस दो प्रकार की होती है, रेसिमोस, रेस कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा ही रेस कर रहे हैं कुछ, और साइमोस, बिल्कुल शाम का मौसम है, कहाँ जाना है, कहीं नहीं, जिंदगी सब मोह माया है, रेस्ट करो सारे आराम से। ठीक है, रेसिमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो कभी बढ़ना नहीं रुकती, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, द सेंट्रल एक्सिस, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। ठीक है, एंड यहाँ पे फ्लावर्स उगाती जाती है, वो साइड में ऊपर चलती जाती है, नए फ्लावर्स उगाती जाती है, नए फ्लावर, सबसे जो नया फ्लावर, सबसे नया फ्लावर है वो सबसे ऊपर मिलेगा आपको, और जो बेचारे पुराने बूढ़े फ्लावर्स हैं वो नीचे मिलेंगे, एंड ये कभी बंद नहीं करती है चलना, ये दिस कीप्स ऑन ग्रोइंग लाइक दिस। मुझे यहाँ पे फूल नहीं बनाना चाहिए था, इट ग्रो कीप्स ऑन ग्रोइंग। तो हमें याद रखना है कि स्टेम जो है वो रेस करती रहती है कि भागो भागो, रुकना नहीं है, भागते रहो भागते रहो। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस प्रकार के उसको फ्लावर्स बनने को इसको बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। ये ए से आप बहुत ईजिली याद कर सकते हो, देखो ये ए ही लग रहा है ऐसा, इट्स लाइक एन ए,
एक्रोपीटल सक्सेशन, जहाँ रेस चल रही है वहाँ पे एक्रोपीटल सक्सेशन है। एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब ही यही है कि भैया ओल्डर फ्लावर्स नीचे और यंगर फ्लावर्स ऊपर, समझ रहे हो? ये रेसिमोज है। अब क्या है, मैंने पी वाई क्यूज देखे, उस पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, और हमने ऐसा तो एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं हुआ रेसिमोस का इन्फ्लोरेसेंस किस में है। फिर हमने देखा फैमिलीज में, फैमिलीज में जितनी वो हैं दालें हैं पल्सेस लेग्यूमिनोजी, उसमें रेसिमोज है यार, जितनी लेग्यूमिनोजी के एग्जाम्पल हैं उसमें सब में रेसिमोज है। जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज है ना, तो अपने को ये याद करना है, ठीक है? तो जब हम फैमिली पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें रेस याद रखनी है। हमने फार्मर की स्टोरी से याद किया था ना, तो वो फार्मर रेस करता हुआ जा रहा है, ऐसे हमें याद रखना है। अब तो लेग्यूमिनोजी के जितने एग्जाम्पल पढ़ेंगे उनमें सब में रेसिमोज है, ठीक है? साइमोज में क्या होता है, मेन एक्सेस रुक जाती है बढ़ना, ये नहीं कि चलती रहेगी, नहीं, इट विल जस्ट स्टॉप, और वहाँ पे आपको एक फ्लावर मिलेगा। मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, ठीक है? तो इसके फ्लावर्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होते हैं, ठीक है? तो एक्सेस को कहीं जाना नहीं है, शाम का मौसम आराम से बैठी हुई है, शाम से याद रखो, शाम मीन्स रिलैक्स्ड, एवरीथिंग इज रिलैक्स्ड। सो मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, मेन एक्सेस जल्दी एक फ्लावर बना लेती है और इसके आसपास फूल उगे, ठीक है? इसको बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन, ठीक है? बेसिपिटल सक्सेशन ये कहाँ मिलता है, शाम। तो बेटा जितना सोलन एसी के बारे में अपन ने पढ़ा था ना, सोलन में जो कपल था, किसका कौन क्या नाम था उसका, अश्विनी और बेला, जिसकी स्टोरी हमने याद करनी है आगे जाके। बेला और अश्विनी में बहुत प्यार था, शादी हो रखी थी पर बाद में लड़ाई हो गई थी, ऐसे हमने एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। तो बेला और अश्विनी आराम से शाम को घूमते थे सोलन में, ठीक है? तो जितनी सोलन एसी है, ये स्टोरी अभी मैं कराऊंगी, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने मेरी शक्ल ही पहली बार देखी है, डरने की जरूरत नहीं, आगे सिखाऊंगी मैं, चिंता मत करो। सोलन एसी, पूरी सोलन एसी में आपको ये मिलेगा। देन जो वो है लिली एसी है, लिली जो कॉलेज की लड़कियां थी, वो भी बहुत शाम को बहुत टहलती हैं, रिलैक्स्ड हैं, जिंदगी में क्या ही दुख है, दुख तो इसकी ज़िंदगी में है, फार्मर बेचारे के पास पैसे नहीं है, भागता रहता है, ठीक है? कॉलेज की लड़कियों की ज़िंदगी में क्या दुख, पति पत्नी की ज़िंदगी में क्या दुख, कोई दुख नहीं है। तो लिली एसी के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा, ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देने की बात है। आगे चलो, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, आगे चलो। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आसान है, ये जो डंडी है जिस पे फ्लावर उगता है इसको पेडिसल बोलते हैं, जैसे लीफ की डंडी को पिटियोल कहते हैं वैसे ही फ्लावर की डंडी को पेडिसल कहते हैं। पेडिसल में दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं नीचे, इनको ब्रैक्ट्स कहते हैं, जैसे कि लीफ वाले को स्टिप्यूल कहते हैं। फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिस पे बाकी सारे स्ट्रक्चर लगे होंगे, इसे थैलमस या रिसेप्टकल कहते हैं। फिर इसमें कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं जो बड की प्रोटेक्शन करते हैं, इनको सेपल्स कहते हैं, इनके ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। फिर पेटल्स हैं जो कलरफुल हैं, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हैं, कलर तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ना, उनको पेटल्स कहते हैं, उनके उसको कोरोला कहते हैं, ठीक है? अब कोरोला गाड़ी और कहाँ कैलिक्स, तो अच्छी चीज़ों का नाम कोरोला ही होगा, कैलिक्स तो हो नहीं सकता, ऐसे याद रख लो, नीचे वाले का कैलिक्स है, ऊपर वाले का कोरोला है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जिनको स्टेमन कहते हैं, इनके दो पार्ट्स हैं, ऊपर वाला एंथर, नीचे वाली डंडी फिलामेंट, ठीक है? स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं। फिर फीमेल स्ट्रक्चर जिसको पिस्टल बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिकी स्टिकी सा होता है, उसमें पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, ये स्टाइल है, स्टाइलिश गर्दन, और ये नीचे जो ओवरी है, पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल, और इसके ग्रुप को गायनोशियम बोल देते हैं। क्लियर? इन्फ्लोरेसेंस क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर, सिमेट्री पे आ जाओ। अगर आपके पास एक भोला वाला फ्लावर है जिसको आप किसी भी एक्सिस से काटो वो इक्वल पार्ट में कट जाता है, ऐसे काट रहे हो तो भी दो इक्वल पार्ट में कट गया, ऐसे काट रहे हो तो भी दो इक्वल पार्ट में कट गया, ऐसे काट रहे हो तो इक्वल दो पार्ट में कट गया, इसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, या रेडियल सिमेट्री जैसे एनिमल्स में होती है। एनिमल्स में कहाँ होती है? नाइडेरिया, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में चिल्ड्रन आर बायलेटरल, एडल्ट्स आर रेडियल। चिल्ड्रन नहीं, लार्वल, चिल्ड्रन ही है, लार्वा भी तो चिल्ड्रन ही है उनके, ठीक है? देन ए सिमेट्री, को सिमेट्री ने कहीं से काट के दिखा दो, दो इक्वल पार्ट में तोड़ ही नहीं सकते। देन जाइगोमॉर्फिक, सिर्फ एक ही एक्सिस से दो पार्ट में तोड़ सकते, ठीक है? सो एक्टिनोमॉर्फिक का याद है हमें, MCD, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जब फ्लावर्स लगाएगी तो ऐसे ही तो फ्लावर्स लगाएगी ना, जो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो। ये थोड़े भी आए टेढ़े मेढ़े, कोई सिमेट्री नहीं है, बताओ
लोग थू थू कर देंगे उनकी, उनके फूलों पर ही थूक जाएंगे, थू कितना गंदा फूल है, ठीक है। सो वी हैव टू मेक वेरी सिमेट्रिकल फ्लावर्स, राइट। सो एमसीडी है मस्टर्ड, चिल्ली, दतूरा। इसके और एग्जांपल्स कर सकते हो फैमिलीज में, जब तुम करोगे, जब तुम सोलानेसी फैमिली करोगे, ठीक है, सोलानेसी के सारे मेंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, सोलानेसी के सारे फ्लावर्स ऐसे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ना, होते हैं ना, हाँ होते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल, कैन नॉट हैव सिमेट्री, तो कैन नॉट से याद रखना है काना, कैन नॉट, कोई सिमेट्री नहीं है कैना में। देन जाइगोमॉर्फिक, बीच में से ही दो पार्ट्स में टूट सकता है और किसी कहीं से नहीं टूटेगा। बायलेटरल का एग्जांपल बेटा सारी लेग्यूमिनोजी है, जितनी लेग्यूमिनोजी, लेग्यूमिनोजी का फूल देख लो चक्कर आ जाएंगे तुम लोगों को, बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा, लेग्यूमिनोजी बीपी बढ़ जाएगा बेटा देख के। अभी पढ़ना भी है हमें, बीपी पढ़ना है, इसमें एक एग्जांपल लर्न करना है बीपी से। तो आपको याद रखना है पबजी सी से, पबजी सी, अभी मेरे को ये नहीं आया मैंने पबजी सी कैसे याद कराया था तुम्हें जाइगोमॉर्फिक से जोड़ के, कैसे कराया था, कोई पुराना स्टूडेंट बैठा है, पबजी सी से कैसे कराया था? तो आपको याद रखना है पबजी सी से, पबजी सी, अभी मेरे को ये नहीं आया मैंने पबजी सी कैसे याद कराया था तुम्हें, किसी को याद है? जाइगोमॉर्फिक से जोड़ के कैसे कराया था, कोई पुराना स्टूडेंट बैठा पबजी सी से, बता दो। अरे ट्रांसपोर्ट के नोट्स नहीं भेजे तुम्हें, अभी बोलती हूँ। अरे अरे बलजोत, ट्रांसपोर्ट के नोट्स भेज दो बच्चों को। हाँ हाँ भेज रहे, भेज रहे बेटा। और बताओ पबजी सी से कैसे याद किया था हमने, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, है ना, मुझे भी पता है पबजी एक गेम है, पर याद कैसे किया था? मैम मुझे आपसे सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करनी है। तो बेटा एक हेल्पलाइन का नंबर होता है ना, आज लेके भी नहीं आई मैं, हेल्पलाइन में कॉल करो, वहाँ से बात करो जितनी मर्जी। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूँगी। ऐसा फ्लावर देखने के बाद, इतना बदसूरत फ्लावर देखने के बाद तुमने सोचा क्या ही बायोलॉजी पढ़ोगे, सच्चा तो पबजी खेल लो, ठीक है। पबजी सी, पी बीन, पी और बीन तो लेग्यूमिनोसी के मेंबर है, गुलमोहर, कासिया, पबजी सी से याद करना है, जाइगोमॉर्फिक, पबजी सी, मैं खुद तो याद कर लूँ, जाइगोमॉर्फिक, इतना बदसूरत फ्लावर, इतना बदसूरत फ्लावर कि मैं बायोलॉजी पढ़ाने ही छोड़ दूँ, क्यों ना मैं सिर्फ पबजी खेलूँ, क्या ही करूँगी बायोलॉजी पढ़ा के ऐसे फ्लावर की शक्ल देखने के बाद, पबजी सी, ठीक है। आगे कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स, ये अलग अलग भी हो सकता है और ये जुड़ा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। जब ये अलग अलग होता है तो इसको पॉली सेपल्स कहते हैं, ठीक है। सेपल्स का ग्रुप अगर अलग है तो पॉली वर्ड हो जाता है, अगर जुड़ा हुआ है तो गैमो वर्ड होता है। देखो गैमो जनरली मैरिज के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, तो जो जुड़ गया है ना, शादी हो रखी है इनके पास पास आ रखे हैं, गैमो सेपल्स, ठीक है। सेपल्स यूनाइटेड, एग्जाम्पल दोनों में से किसी का नहीं दिया एनसीईआरटी में, हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। कोरोला, कोरोला भी ऐसे हो सकते हैं पॉली पेटलस, पेटल्स जब अलग अलग हों, ठीक है, जैसे रोज में पेटल्स अलग अलग हैं, या गैमो पेटलस जब ऐसे पेटल्स सारे जुड़ गए हों, है ना, एक उन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर सा बना लिया हो, तो इसका भी कोई एग्जाम्पल नहीं करना अपने को, टेंशन नहीं कोई भी। आगे एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ, अच्छा तुम इसका एग्जाम्पल कर सकते हो ऐसे देखा जाए तो, जितनी लेग्यूमिनोजी है सारी पॉलीपेटलस, नहीं है उसका पेटल जुड़ा होता है एक, हटाओ हम नहीं करेंगे एग्जांपल। एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स ऑन थैलेमस। अब तुम्हें तीन टर्म्स हो गई, फाइलोटैक्सी, इनफ्लोरेसेंस और एस्टिवेशन। फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, इनफ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन स्टेम, एस्टिवेशन अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स ऑन थैलेमस। कितने प्रकार की, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, ठीक है। वेलवेट होता है एक दूसरे को टच नहीं करना, ठीक है, प्यार से रहो एक दूसरे से, डोंट टच, ओवरलैप मत करो, टच भी कर लो, डोंट ओवरलैप ईच अदर, ठीक है।
तो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन, कैलोट्रॉपिस। तो पहले हम यही एग्जाम्पल लर्न करते थे, लेकिन हम मैंने फैमिलीज में देखा तो जो शाम को घूमते हैं वो वेलवेट के कपड़े पहन के घूमते हैं, इतने रिलैक्स्ड हैं, ठीक है। तो शाम वाली जो दोनों फैमिलीज हैं उनमें दोनों में वेलवेट एस्टिमेशन है। शाम वाली फैमिली कौन सी है? पूरी सोलानेसी। वो दोनों मियाँ बीवी वेलवेट के कपड़े पहन के शाम शाम को घूम रहे थे सोलन में, तुम्हें पता चला। और वो जो लड़कियाँ थी कॉलेज गर्ल्स लिलियसी, वो भी शाम को वेलवेट के कपड़े पहन के घूमती थी, ठीक है। ट्विस्टेड, घुमावदार, एक रेगुलर पैटर्न में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। देखो एक रेगुलर पैटर्न में ऐसे, दिस इज अ रेगुलर पैटर्न। है ना, रेगुलर पैटर्न है ना। तो ट्विस्टेड का हमने एग्जांपल कैसे याद किया था? एक चाइनीज औरत की उंगली, फिंगर, उस पे हमने कॉटन ट्विस्ट कर दी थी ऐसे, जैसे रिंग होती है, रिंग बना दी थी कॉटन की। तो इसका एग्जांपल क्या लर्न किया था हमने? चाइना रोज, चाइनीज औरत की फिंगर, लेडी फिंगर और कॉटन, ठीक है। देन इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग तो है पर कोई स्पेशल ओवरलैपिंग नहीं है, इधर उधर कुछ भी, मतलब कोई भी किसी के भी ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो इसका हमने याद किया था आई एम, इम्ब्रिकेट का आई एम, आई एम गुका, आई एम गुका। जैसे हम वो नहीं बनाते इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल्स, आई एम समृद्धि, आई एम दिस, आई एम दैट, तो ये आई एम गुका है। गुलमोहर एंड कैसिया, ठीक है। एंड देन वेक्सिलरी, वेक्सिलरी में क्या है? वेक्सिलरी जो है वो बेटा लेगिमनोजी में मिलती है, यार ये एक ही है, फेबेसी बोल लो, पैपलियोनोडी बोल दो, पैपलियोनोइडी, स्पेलिंग मुझे नहीं आती, फेबेसी, लेगिमनोजी, लेगिमनोजी मतलब बड़ा ग्रुप है, उनके ये छोटे ग्रुप हैं, लेकिन अभी तुम्हारे लिए ये एक ही बात है, ठीक है। यही तो है जिनको देख के बीपी बढ़ जाता है, यही तो है जिसमें वो थी, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, देखने का ही मन नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े फ्लावर्स सिर्फ एक उससे कट रहे हैं, ठीक है। वेक्सिलरी, उसमें क्या होता है? एक बड़ा पेटल होता है जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसका नाम वेक्सिलम भी है, ये पी वाई क्यू है, वेक्सिलम, ठीक है। फिर उसके नीचे दो छोटे पेटल्स होते हैं जिनको विंग्स बोलते हैं, और फिर इसके नीचे और दो छोटे पेटल्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं जिनको कील बोलते हैं। अब देखो ये सिर्फ इस पैटर्न में कट सकता है, इसलिए जाइगोमॉर्फिक है, और तो ऐसे काट के देख लो नहीं कटेगा, दैट इज व्हाई इट इज जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो जितने लेगिमनोजी के मेंबर्स हैं उसमें सब वेक्सिलरी होगा, याद हो जाएगा तुम लोगों को? वेलवेट, सोलानेसी और लिलियसी, कैलोट्रॉपिस, ट्विस्टेड, चाइनीज औरत की उंगली, चाइना रोज एंड लेडी फिंगर, उस पर कॉटन ट्विस्ट कर दो, कॉटन, आई एम गुका, गुलमोहर कैसिया, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, जितना लेगिमनोजी का मेंबर है। ये देख के तो बीपी बढ़ गया था, बीपी, बीन और पी, दोनों लेगिमनोजी, बीन और पी। इसके एग्जांपल्स अगले पेज पे लिखे हुए हैं। ट्विस्टेड, हाँ हाँ हाँ, डन। कौन से बच्चे आते हैं ये क्लास में? मैम क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? पता नहीं, मेरे से नहीं पूछ रहा, किसी और लड़की से पूछ रहा है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? यही क्लास मिली है सब पूछने के लिए? हेलो एंड्रोशम, अर्थवर्म फ्रॉग करेंगे अपन? कोई ढंग की बात नहीं, लिखते तुम लोग कमेंट सेक्शन में, मैंने देख लिया। एंड्रोशिया में क्या है? दो पार्ट्स हैं, एंथर, जिसके अंदर, अब एंथर का भी पूरा स्ट्रक्चर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, बायलोब्ड एंथर है ना, उसमें फिर स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है,
पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, उसके अंदर मेल गैमेट होते हैं। अब ये अलग स्टोरी है, अब क्या ही जाना ऐसी चीज़ों में, जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता भी क्या ही देखना, छोड़ो मतलब नीट में जाना है, इस चैप्टर में नहीं जाना। इस डंडी को फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, सो दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल मतलब पास, किसके पास, फ्लावर के बाकी स्ट्रक्चर्स के पास, ठीक है, थैलमस के पास। सो प्रॉक्सिमल पार्ट उसका या तो थैलमस पे लगा हुआ होगा, कभी कभी पेटल्स पे भी लगा होता है, एपी पेटलस कंडीशन बोलते हैं उसको। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये पेटल है तो यहाँ से उग रहा है भाई साहब, ठीक है, ऐसा अपना सोलनेसी में होता है सारा का सारा एपी पेटलस, जैसे कि ब्रिंजल, ब्रिंजल सोलनेसी का ही पार्ट है। एंड देन पेरियंथ, पेरियंथ क्या होता है, जहाँ पे पेटल्स और सेपल्स एक जैसे दिखते हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, एक ही कलर के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, उतने ही ब्यूटीफुल होते हैं, तो आप उनके जो मेंबर्स होते हैं ना, तो उसको पेटल बोलते हैं ना सेपल बोलते हैं, आप उसको टेपल बोलते हो, और टेपल के ग्रुप को ना तो आप कैलिक्स बोलते हैं ना कोरोला बोलते हैं, आप उसको पेरियंथ बोलते हो, ठीक है। तो ऐसा लिलियेसी में देखने को मिलता है, जब पेरियंथ के ऊपर आपका एंड्रोशियम लगा होता है, और ये आपको लिलियेसी में मिलता है, पूरी लिलियेसी फैमिली में मिलता है, एपिफाइलस कंडीशन होती है, एपिफाइलस कंडीशन बोलते हैं उसको, ठीक है। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। फिर वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट, ये पीवाई क्यों था, कभी कभी एक ही फूल के अंदर अलग अलग लेंथ के स्टेमन्स हो जाते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, थूक तेल है तो बहुत ही गंदा लेकिन याद रह जाता है, अलग अलग फिलामेंट्स के लिए आपको एग्जांपल याद करना है, थूक तेल, थूक मतलब सलाइवा, सैल्विया याद रखना है उससे, तेल मतलब मस्टर्ड, सरसों का तेल याद रखना है। एक और एग्जांपल जो वेरिएशन इन लेंथ है, पूरी लिलियेसी में वेरिएशन ऑफ लेंथ है, सो क्वेश्चन ऐसे आया था कि चूज करो कि इनमें से कितने वेरिएशन ऑफ लेंथ वाले हैं, वेरिएशन ऑफ स्टेमन्स की लेंथ वाले मेंबर्स हैं, तो उसमें से चूज करना था लिलियेसी के सारे मेंबर्स। लिलियेसी का भी तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें कुछ स्टेमन्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो लिलियेसी के सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आएंगे, वेरिएशन इन लेंथ में आएंगे। देन एंथर, एंथर भी क्या होते हैं, या तो फ्री हो, है ना, एंथर एक एक एंथर तो किसी फ्लावर में नहीं होता, ज़्यादा ही एंथर होएंगे, तो या तो वो एंथर खुले हुए हैं या वो एंथर जुड़े हुए हैं, तो आपको पॉलीएंड्रस कंडीशन मिलेगी, या अगर जुड़े हुए हैं तो हम उनको यूनाइटेड बोलेंगे, उसके फिर अलग अलग प्रकार हैं। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, इवन दिस इज अ पीवाईक्यू, मुझे याद नहीं कौन से उसका क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे, सुनो मेरी बात। पॉलीएंड्रस कंडीशन का कोई एग्जांपल नहीं करना, क्योंकि जनरली पॉलीएंड्रस ही होते हैं, लेकिन अगर आपके एंथर्स अगर जुड़ जाएं, अगर आपके स्टेमन जुड़ जाएं, तो अगर तो वो एक ग्रुप में जुड़ जाएं, तो चाइनीज लोग देखे तुमने ऊपर जुड़ा बांध के रखते हैं अपने सारे बालों को, इमेजिन करो एंथर की उसकी तरह, स्टेमन की तरह, बालों को स्टेमन की तरह इमेजिन करो, तो चाइनीज लोग तुमने देखे नहीं कुंगफू मास्टर्स जो होते हैं अपने सिर पे जूड़ी बना के रखते हैं, ठीक है, तो चाइना रोज में आपको सारे जो स्टेमन है वो एक साइड जुड़े हुए मिलेंगे, इसको बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन, मोनो एडल्फस, ठीक है। फिर होता है डाई एडल्फस, मतलब आपके जो ग्रुप है स्टेमन के वो दो ग्रुप में जुड़े मिलेंगे, एक ग्रुप इधर स्टेमन का, एक इधर, तो मैंने तुम्हें ऐसे याद कराया था, दो ग्रुप स्टेमन के, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, और बीच में एक मटर का दाना रख लो, ठीक है। तो ये पी में मिलता है, यही क्वेश्चन था 2021 में, पी में मिलता है आपके, ठीक है, डाइएडल्फस कंडीशन, पॉली एडल्फस कंडीशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था कि पॉली एडल्फस कंडीशन आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, क्या चीज़ पॉली है, सेपल्स पॉली हैं, पेटल्स पॉली हैं, एंड्रोशियम पॉली है, क्या पॉली है, तो आंसर ये था, एंड्रोशियम की बात हो रही है। पॉलीएडल्फस कंडीशन में तुम एक बंदे के बालों को स्पाइक्स बना दो, स्पाइक्स बना दो, तो मतलब बड़े सारे ग्रुप्स हैं, मतलब है ग्रुप है, फ्री नहीं, वो फ्री अलग है ये ग्रुप्स, लेकिन बहुत सारे ग्रुप बने हुए, तो इस बंदे के बालों के ग्रुप्स बना दो, जेल लगा के स्पाइक बना दो, और हर स्पाइक पे एक नींबू रख दो ऐसे, जैसे मैंने रखा हुआ है, सिट्रस में मिलता है आपको ये, ठीक है, सिट्रस में मिलता है, ये ध्यान रखना है। आगे चलो, गाइनोशियम, ग्रुप ऑफ पिस्टल्स, तो पहले तो पिस्टल्स के आप डायग्राम देख लो, ये स्टिग्मा बोलते हैं जिसपे पोलन लैंड करता है, ये सुनहरी गर्दन इसकी स्टाइलिश गर्दन, और ये जो मोटी नीचे है ये ओवरी, ओवरी की वॉल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, पेरिकार्प तब बोलते हैं जब ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट एंड इट्स वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है। ओवरी के अंदर स्पेस होता है, उसको हम लॉक्यूल बोलते हैं, ठीक है, उस स्पेस में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, एक टिश्यू मिलेगा जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा से एक डंडी निकलेगी जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, इस फ्यूनिकल पे ओव्यूल लगे होते हैं, ओव्यूल आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओव्यूल इज द मीगास्पोरेंजियम, इसके अंदर
फीमेल गैमेट बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, फिर फीमेल गैमेट बनता है और ये पूरा का पूरा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं एक ओवरी के अंदर। स्ट्रक्चर देख लो, गाइनेशियम, फिर से अब गाइनेशियम के भी ग्रुप्स बन सकते हैं। देखो, एक फ्लावर के अंदर एक ओवरी हो सकती है, एक पिस्टल हो सकता है। एक फ्लावर के अंदर एक पिस्टल हो सकता है, तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन। एक फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा पिस्टल भी हो सकता है, तो मल्टीकार्पेलरी कंडीशन। अब मल्टीकार्पेलरी में दो हैं, या तो तुम एक फ्लावर में पड़ी हुई हो लेकिन अलग अलग है। हाँ, मैं एक दूसरे से बात नहीं करती, सौतने हैं ना, सौतन कहीं की, ठीक है। तो सुंदर औरतें सौतन ही होती हैं, तो ये एक दूसरे को परे फेंकती रहती हैं, तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। चल परे, चल तू परे हो, हाँ तू परे हो, आई बड़ी नकचड़ी कहीं की, ठीक है, परे हो, एपोकार्पस कंडीशन होती है ये। ये सुंदर औरतों में मिलेगी, तो सुंदर फ्लावर्स में मिलेगी, रोज और लोटस में। सिनकार्पस कंडीशन में क्या होता है, ओवरीज बहनों की तरह रहते, सौतने हैं तो क्या हुआ, हम बहनों की तरह रहेंगी। ओवरीज दे यू नो इनके ऐसे ही कनेक्ट होके इनकी सॉरी पिस्टल्स कनेक्ट हो जाती हैं, पिस्टल्स इनकी कनेक्ट हो जाती है, सॉरी ठीक है। ये आपको मिलेगा मस्टर्ड और टोमेटो में। प्लेसेंटेशन क्वेश्चन आता है इस पे, नीट 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है प्लेसेंटेशन पे। आओ बच्चों, अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है, चैप्टर खत्म करें। क्यों भगवान ने मुझे इतनी कम हिम्मत दी पढ़ाने की, मुझे पता नहीं। चाहता तो भगवान मुझे भी दे सकता था 6-6, 7-7 घंटे की क्लास लेने की कैपेबिलिटी, कि मैं ऐसे घोड़े की तरह लगी रहती, ये लो, नॉट इन दिस लाइफ टाइम। आओ, प्लेसेंटेशन क्या है, ओवरी के लॉक्यूल में ओव्यूल किस शेप में लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ये प्लेसेंटेशन है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है मार्जिनल। मार्जिनल में क्या है, ओवरी को काट लिया मैंने बीच में से, जैसे मैंने ओवरी काट ली मान लो, ठीक है, तो ये साइड पे ऐसे लगा हुए हैं ओव्यूल, साइड पे ऐसे दो रोज में ओव्यूल लगे हुए हैं ऐसे, अंदर की साइड साइड में ऐसे दो रोज में ओव्यूल्स लगे हुए हैं, एक ऐसे एक पट्टी सी है उसमें दो रोज में ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्जिनल, क्योंकि एक मार्जिन पे ओव्यूल लगे हुए हैं, ऐसे एक मार्जिन बना दी, ओवरी की वॉल है ना, जैसे ये ओवरी की वॉल है, ये ओवरी की वॉल है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, ये बोलते हैं इंटरनल वॉल। यही इंटरनल वॉल पे ऐसे ऐसे प्लेसेंटा लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, और यहाँ यहाँ पे साइड में ओव्यूल्स हैं दो रोज में। तो ये इसका कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पी में आपको देखने के लिए मिल जाता है ऐसे कि एक मार्जिन पे दो रोज में सीड्स लगे होते हैं, और सीड्स तो ओव्यूल्स ही बनते हैं। एग्जाइल क्या होता है, वनवास, उसकी स्पेलिंग दूसरी होती है, ई एग्जाइल ही होता है, लेकिन बोलने में तो सेम है एग्जाइल। तो आपने अपने ओव्यूल्स को वनवास दे देना है। वनवास कैसे, इनके प्रिजन में बंद कर दो इनको। ओवरी जो होती है कंपार्टमेंटलाइज्ड होती है, ओवरी का लोक्यूल खुला नहीं होता, ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। क्यों बने होंगे सोचो, क्योंकि ये सिनकार्पस ओवरी है, मल्टीलोक्यूलर, बहुत सारी पिस्टल्स जुड़ गए होंगे तो उनकी ओवरीज जुड़ गए होंगे, तो ये ऐसे कंपार्टमेंट्स में उनकी ओवरीज, ठीक है, मल्टीलोक्यूलर ओवरी। ऐसा आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, कुछ याद आया, और सेंटर में यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, इस पे आपके ओव्यूल्स लगे होते हैं। कभी टमाटर खाए हो तो ऐसे नहीं होता, आप जब काटते हो तो ऐसे सीड्स नहीं लगे होते। कभी नींबू खाए हो, ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं नींबू में, या ऑरेंज खाए हो, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और फिर सीड लगे होते हैं बीच में, ठीक है। तो वो है, अब इसको याद कैसे करना है, चाइनीज़ बंदे को हमने यहाँ बंद कर देना है, और वो बेचारा तरस रहा है क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ें खटी खटी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, यहाँ पर नींबू है,
यहाँ पे वो है टोमेटो है, बट ये जा नहीं पा रहा क्योंकि बंद है। चाइना रोज टोमेटो लेमन। देखो तुम ये वाला एग्जांपल भी यहाँ से याद कर सकते हो, सिन कार्पस में। अच्छा नहीं, वैसे नहीं कर सकते, छोड़ो। पैराइटल, पेरेंट्स हमें मार लगाते हैं, ठीक है, तो पैराइटल का एग्जांपल मार ही है एक्चुअली, मार। और हम पेरेंट्स को फॉल्स होप्स देते रहते हैं कि इस बार तो नीट पक्का क्रैक करूंगा, तो यहाँ पे हमें एक फॉल्स पार्टीशन भी मिल सकता है। फॉल्स पार्टीशन को हम रेपलम कहते हैं, रेपलम। फॉल्स सेप्टम मिल सकता है, फॉल्स होप्स फॉर पेरेंट्स। मार का एग्जांपल है, मार पेरेंट्स से मार पड़ती है, मस्टर्ड और आर्जिमोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब पेरेंट्स क्या है, पेराइटल चीज़ हमेशा पेरेंट्स ऐसे बाहर से आपको प्यार करते हैं ना, तो ये बस इस वॉल पे हर कहीं लगे हुए हैं बार बार। ऐसे नहीं याद कराया था मैंने, ऐसे याद कराया था कि पेरेंट्स आपको मार के भगा देते हैं बीच में से, ठीक है, मार के भगा देते हैं, तो आप भाग के कहाँ जाओगे, ओवरी से बाहर तो जा नहीं सकते, तो बस ओवरी की वॉल पे लग जाओगे, इंटरनल वॉल पे हर कहीं जाके चिपक जाओगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में कोई कंपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे बीच में प्लेसेंटा है ऐसे, और ये हर जगह ऐसे ओव्यूल लगे हुए, समझ लो, ऐसे 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 हर कहीं ओव्यूल लगे हुए। मैंने नीचे तो ऐसे ही बना दिए, ऊपर ही लगे रहते हैं, तुम समझ गए ना कैसे। तो फ्री होने पे हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं, तो फ्री वालों में बहुत ज्यादा प्राइड है कि वी आर फ्री। तो इसका एग्जाम्पल है प्रिमरोज एंड डायंथस। ध्यान रखो कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने PYQs हैं इनमें से। देन बेसल, जो एक ही ओव्यूल होता है और वो बेस पे बैठा होता है, देर इज ओनली वन ओव्यूल एंड इट इज सिटिंग ऑन द बेस। बेचारा मासूम है, क्या बेचारा बच्चा सा होगा, मासूम, जमीन पे तो बच्चे ही बैठते हैं मासूम, तो मासूम ही इसका वो है, निमोनिक है, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। दोबारा याद करो, मार्जिनल पी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाइल, एग्जाइल में बेचारों को एग्जाइल में डाल दो, कारागार में डाल दो। चाइना रोज, बेचारा चाइनीज सोच रहा है कैसे जाऊँ मैं, कैसे जाऊँ, ठीक है, मैं लेमन खाना चाहता हूँ, मैं टोमेटो खाना चाहता हूँ, लेकिन वो दूसरे कंपार्टमेंट में पड़े हैं, लेमन एंड टोमेटो। पेराइटल, पेरेंट्स मार के भगा देंगे साइड वाली वॉल पे, ओवरी की इंटरनल वॉल पे हर कहीं जाके लग जाओगे, मार, मैरीगोल्ड एंड आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल, प्राउड हो आप बहुत ही, प्राइड, प्रिमरोज एंड डायंथस। एंड देन लास्ट बेसल, बेस पे बैठे हो मासूम कहीं के, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। अच्छा मैंने यहाँ मैरीगोल्ड बोल दिया, सॉरी मस्टर्ड, सॉरी सॉरी मस्टर्ड। ऐसे याद कर लो, पेरेंट्स मारते हैं तो फिर ऊपर से तेल की मालिश भी करते हैं कि अरे अरे बहुत मार दिया बच्चों को, ये कन्फ्यूज मत कर देना मस्टर्ड और मैरीगोल्ड को, जैसे मैंने अभी कन्फ्यूज़ किया, ऐसे कर मत देना, ठीक है। मस्टर्ड, चोट लगेगी तो तेल की मालिश होगी, और मैरीगोल्ड बेचारा फूल, कितना प्यारा फूल है, मासूम फूल नीचे बैठा हुआ है। ओवरी भी चल जाए, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सुपीरियर ओवरी, जहाँ थैलेमस में ओवरी थोड़ी ऊपर लगी होती है, बाकी पार्ट्स थोड़े नीचे लगे होते हैं। हाफ इन्फीरियर ओवरी, देखो फिर भी ओवरी को इन्फीरियर बोला है, जहाँ पे ओवरी और बाकी पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम पोजिशन पर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरी इन्फीरियर है, बताओ। और यहाँ पे इन्फीरियर, एक्चुअली में इन्फीरियर ओवरी, जहाँ पे ओवरी बिल्कुल नीचे दबी हुई, इसको कैसे पता चलेगा, ये पूरे बंद कर देगा, आपका थैलेमस ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स इसके ऊपर की साइड लगे हुए हैं। सो जो सुपीरियर ओवरी है उसका हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। देखो हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो तुम्हारा मन करेगा हाइपोगाइनस, क्यों ना हम ओवरी को इन्फीरियर कर दें, नहीं, आपको ऐसे रखना है, गाइनस को छोड़ो, बाकी बात, बाकी चीज़ों की बात करो, बाकी फ्लावर पार्ट्स नीचे हैं, हाइपो नीचे हैं और गाइनस ऊपर है, हाइपो बाकी फ्लावर पार्ट्स नीचे, गाइनस ऊपर, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, उल्टा है, तुम्हें देख के मन करेगा गाइनस को हाइपो कर दे, नीचे कर दे, नहीं, लेकिन हाइपो बाकी पार्ट्स को कर दो, गाइनस को ऊपर रखो, ठीक है। तो जब औरतें सुपीरियर होती हैं, फीमेल सुपीरियर होती हैं, तो हमें, यार देखो फिर अब ये मेरे को ऐसे कमेंट्स मत करना मैम, बहुत ही सेक्सिस्ट हो, बहुत ही रेसिस्ट हो, याद कराने का तरीका है, हमें MCBC की गालियाँ मिलती हैं, MC एंड BC, BC का सी छोड़ दो, ठीक है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, Nobody is going to post a hate comment on this, ठीक है।
मस्टर्ड चाइनरोज ब्रिंजल देन पेरीगाइनस, जब ओवरी और इसका पोजीशन सेम है लेकिन फिर भी हम इसको हाफ इन्फीरियर बोल रहे हैं, बताओ। एक तो औरतों के साथ इतनी जाती, सेम लेवल पे होने के बाद तुम हाफ इन्फीरियर बोल रहे हो, लेकिन जब औरतें सेम होती हैं तो क्या हम तुम्हारे ऊपर राज करना चाहती हैं? आदमियों के ऊपर नहीं, हम चाहती हैं मज़े करना, ठीक है? तो हम अच्छे अच्छे लिपस्टिक के शेड्स लगाना चाहती हैं, कैसी कैसी, जैसे प्लम रोज पीच, लिपस्टिक के शेड्स ही तो हैं प्लम रोज पीच। वेन वी हैव इक्वालिटी वी डोंट वॉन्ट टू फाइट यू, वी जस्ट वॉन्ट टू पुट लिपस्टिक्स ऑन अवर लिप्स एंड गुड शेड्स ऑल्सो, ठीक है? इन्फीरियर ओवरी, जब हमें इन्फीरियर फील कराया जाता है, ठीक है, तो भी हम उसको ग्रेस से सहन करते हैं। ग्रेस, ये नहीं कि हम तुम्हें उल्टा MCBC की गालियाँ देंगे, नहीं, वी आर वेरी ग्रेसफुल, GRC, ग्रेस। गुआवा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड क्यूकुम्बर, याद हो जाएगा? बोलो, याद हो जाएगा? नायला, आई लव यू टू, व्हाट्सएप नंबर, शादी भी करूंगा, साइबर सेल में रिपोर्ट करवा दो तेरी अभी। हैं? आया बड़ा, शादी भी करूंगा, तुम्हारे जैसे लड़के हमारे कॉलेज में बहुत घूमते थे, सब लड़कियों को यही कहते थे वो, आई लव यू, शादी भी करूंगा। हमारे पूरे क्लास में से, पूरी क्लास में से सिर्फ एक लड़का लड़की थी जिनकी शादी हुई एक्चुअल में। लड़कियों, तुम्हें कोई ऐसी बातें बोले ना, आई लव यू, शादी भी करूंगा, इट इज टाइम टू रिपोर्ट अब्यूज। महिला हेल्पलाइन पे फोन लगाओ, 1091 ही होती है, और बताओ कि लड़का ऐसे बोल रहा है मुझे। ये तुम्हारे ना यही रोने हैं। YouTube पे पढ़ाओ तो बोल रहे हैं स्पेशल क्लास पे ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशल क्लास पे पढ़ाओ तो बोलते प्लस पे ज़्यादा मज़ा आता है, कहीं कुछ बोलते कभी कुछ बोलते हैं। मैं तो हर जगह पढ़ाऊंगी, तुम जाओ, चलो, पढ़ने से मतलब रखो, तुम्हें प्लेटफॉर्म से क्या करना है? हमारी क्लास में एक लड़का था, उसका नाम नहीं मैं बताऊंगी क्योंकि हो सकता है उसने मेरी क्लास देख ली तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसको नाम हम रखेंगे एक्स। एक्स ने पहले क्लास में दो चार लड़कियों पे लाइन मारी, एक्स ने ए पे लाइन मारी, एक्स ने बी पे लाइन मारी, एक्स ने सी पे लाइन मारी, एक्स ने डी पे लाइन मारी, मतलब बहुत ही सटल। एक्स वॉज नॉट अ बैड पर्सन, एक्स वॉज अ नाइस बॉय, बट अब क्या है, हॉर्मोन इशूज़। तो डी ने उसको बोला, यस आई विल बी योर गर्लफ्रेंड। फिर एक्स ने उसके बाद किसी पे लाइन नहीं मारी, एक्स वॉज सच अ लॉयल पर्सन। एक्स कॉलेज के 4 साल डी के साथ घूमा, ठीक है, और एक्स ने फिर शादी कर ली डी से, और अब वो बहुत खुश है। ऐसी फेरी टेल स्टोरीज भी होती हैं दुनिया में, ठीक है, लेकिन तुम वो नहीं हो जो मैसेज कर रहे हो, यू आर नॉट वन ऑफ देम। फ्रूट, देखो अच्छे लड़कों की ये निशानी है, उससे पहले ABCD जिस पे भी ट्राई करना करो, बट जब डी पट जाए तो छोड़ दो, बाकियों को हटा दो, शांति से रहो, जिंदगी जियो और जीने दो। फ्रूट, फ्रूट क्या है, ओवेरियन वॉल है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है ना। ओवेरियन वॉल पेरिकार्प फॉर्म्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। व्हेन फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा कहाँ होता है, कभी कभी फ्रूट ओवेरियन वॉल को ऐसी मस्ती चढ़ती है, क्यों ना मैं फ्रूट में कन्वर्ट हो जाऊँ बिना फर्टिलाइजेशन के। इसमें हम बोलते हैं पैरथिनोकार्पी, ये आपको मिलती है बनाना में, ठीक है। एपोमिक्सिस बिल्कुल अलग है, एपोमिक्सिस इज वेरी वेरी डिफरेंट, एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस में आपको फ्रूट मिलेंगे, सीड वाले मिलेंगे, लेकिन वो सीड फर्टिलाइजेशन से नहीं बने, ठीक है, जैसे पॉली एम्ब्रियोनी वगैरह आप पढ़ते हो, ठीक है, सिट्रस में, मैंगो में। देन पार्थिनोकार्पी इज फ्रूट बन गया लेकिन सीड नहीं बना, सीडलेस फ्रूट बन जाता है जैसे बनाना में, ठीक। फ्रूट कैन बी ट्रू और फॉल्स, जैसे कि रूट होती है ट्रू और फॉल्स, रूट ट्रू और फॉल्स कैसे होती है, जब रेडिकल से बनती है तो ट्रू, रेडिकल से कहीं और बनती है तो फॉल्स। वैसे फ्रूट भी अगर ओवेरियन वॉल से ही बने तो ट्रू, अगर ओवेरियन वॉल के अलावा कोई और पार्ट भी फ्लावर का फ्रूट बनाने में हेल्प कर गया तो फॉल्स। डेवलप्स फ्रॉम, फ्रॉम है ये, फ्रॉम
फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी एज वेल ओवरी के अलावा भी और फ्लावर के कुछ पार्ट्स ले लिए उसने फ्रूट बनाने के लिए. इसका तीन एग्जाम्पल है, एप्पल के ऊपर एक स्ट्रॉबेरी रखो, स्ट्रॉबेरी उसके ऊपर एक कैश्यू रख दो, ठीक है. ये तीन एग्जाम्पल हैं, एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू. एप्पल में एडिबल पार्ट थैलेमस होता है, ध्यान रखो. तो बच्चे कहते हैं मैम इसमें सीड कैसे बनेगा, ये तो फॉल्स फ्रूट है. बेटा फॉल्स फ्रूट का सीड से कोई लेना देना नहीं है. सीड तो बनेगा, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगी, सीड भी बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब ओवरी सूज रही होगी ना, फ्रूट बना रही होगी, तो कहेगी आ थैलेमस तू भी आ जा मेरे साथ, आज फ्रूट बनाएंगे, तो वो थैलेमस को ले लेती है. तो थैलेमस उसका मेजर एडिबल पार्ट बन जाता है, ठीक है. देन फ्रूट को आप एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, सिंपल एग्रीगेट एंड कॉम्पोजिट फ्रूट. सिंपल फ्रूट इज जब एक सिंगल ओवरी से फ्रूट डेवलप हो, जैसे मान लो फ्लावर में एक ही ओवरी है, ठीक है, या तो उससे डेवलप हो या सिनकार्पस गाइनोशियम से हो. मतलब अगर ज़्यादा ओवरीज हैं तो वो जुड़ी हुई हैं, फिर ज़्यादा पिस्टल्स हैं तो वो जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है, तब सिंपल फ्रूट कहलाएगा. लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी ओवरीज हैं एक उसमें फ्लावर में और वो अलग अलग हैं, एपोकार्पस कंडीशन है, और इनसे जब फ्रूट बनेगा तो ये हर एक अपना अपना एक छोटा छोटा फ्रूटलेट बनाएंगी. ये फ्रूटलेट बनाएगा, ये फ्रूटलेट, और फिर ये जुड़ के एक फ्रूट बना लेंगे जिसको हम एग्रीगेट या इटारियो फ्रूट बोलते हैं, ठीक है. फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम फ्रूटलेट्स, फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, एक ही फ्लावर में बहुत सारे फ्रूटलेट्स बन जाएंगे, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी. ये तो मुझे भी एग्जाम्पल याद नहीं है, क्या करेंगे. कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ठीक है. कॉम्पोजिट फ्रूट का अलग ही गेम है, ये पूरी पेरियंथ से बनता है, पूरी इन्फ्लोरेसेंस से बनता है. इन्फ्लोरेसेंस क्या है, एक डंडी पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, सारे फ्लावर अपना अपना फ्रूट बना रहे हैं, तू अपना फ्रूट बना रही है, फिर ये जुड़ के एक बड़ा फ्रूट बना रहे हैं. ये जो डंडी है बीच में, ये भी फ्रूट में ही आ गई बीच में, इसको पेरियंथ बोलते हैं. पेरियंथ तो वो होता है, लिलियसी वाला होता है, पिडंकल बोलते हैं. फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कि मलबेरी, पाइनएप्पल, फाइकस, जैक फ्रूट. मलबेरी, पाइनएप्पल, MPFJ, मुझे पता नहीं है कैसे याद होएगा. मलबेरी, पाइनएप्पल, फाइकस, जैक फ्रूट, भैया इमेजिनेशन ही करनी पड़ेगी. मलबेरी, पाइनएप्पल, फाइकस, जैक फ्रूट, इसका कस्टर्ड, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी. सिंपल फ्रूट में आपके पास दो एग्जांपल अच्छे से लर्न कर लेना, मैंगो और कोकोनट, दोनों ड्रूप्स होते हैं, याद कर लेना, ड्रूप पे क्वेश्चन आ चुका है. सिंपल दो प्रकार के होते हैं, अगर पेरिकार्प फ्लैशी हो तब, या पेरिकार्प ड्राई हो, ठीक है. पेरिकार्प ड्राई वाले अपने को कुछ भी याद नहीं करना, अपने को पेरिकार्प फ्लैशी वाले करने. जब फ्लैशी पेरिकार्प है तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एपिकार्प, मिजोकार्प, एंडोकार्प, जैसे कि मैंगो में, ठीक है. मैंगो इज अ ड्रूप. ड्रूप कौन से फ्रूट्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सुपीरियर ओवरी से बनते हैं, एंड दे हैव अ स्टोनी एंडोकार्प. जो उनकी एंडोकार्प होती है, एंडोकार्प क्या है, अंदर वाली लेयर पेरिकार्प की, वो स्टोनी होती है, बहुत हार्ड होती है. तो आप मैंगो में देखोगे तो जो उसका छिलका होता है वो एपिकार्प है, ठीक है. जो आप खाते हो टेस्टी फ्लैशी, यहाँ से जूस निकलता है, फ्लैशी मीजोकार्प आप खाते हो, फिर जो अंदर आपको गुठली दिखती है ना, गुठली, वो एक्चुअली एंडोकार्प है. सॉरी, फ्लैशी मीजोकार्प को खाते हो आप, जो गुठली होती है वो एंडोकार्प है, स्टोनी होती है, गुठली को तो नहीं खा पाते, हार्ड होती है, स्टोनी एंडोकार्प है ये. उसके अंदर आपको बीज मिलता है, ठीक है. गुठली आपकी सीड नहीं होती, गुठली आपकी एंडोकार्प होती है, उसके अंदर आपको सीड मिलता है. कभी तोड़ के देखना, उसके अंदर आपको सीड नजर आएगा, ठीक है. तो मैंगो इज अ ड्रूप, याद रखना है, मैंगो जो है वो ड्रूप है, सुपीरियर ओवरी से बना हुआ है, ठीक है, एंड स्टोनी एंडोकार्प होती है. इसको खाते क्या हम, फ्लैशी मीजोकार्प को खाते हैं. सिमिलरली कोकोनट इज ऑल्सो अ ड्रूप. क्यों, देखो, जो अगर बड़े वाले कोकोनट को इमेजिन करो अभी, वो नहीं जो अंदर से निकलता है, बड़े वाला जो ग्रीन कलर का होता है, ये बाहर वाला एपिकार्प है जो ग्रीन कलर का होता है, उसके अंदर देखते हैं तो फाइबर्स आते हैं जिससे हम रस्सियाँ रुसियाँ बनाते हैं, वो फाइबरस मीजोकार्प है. तो आप मीजोकार्प तो नहीं खाते, रस्सियाँ तो नहीं खाते, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं खाती. फिर जो अंदर से खोप्पा निकलता है, जो ऐसे छोटा सा होता है और हार्ड होता है, तो वो जो हार्ड लेयर होती है वो स्टोनी एंडोकार्प है. तो भैया आप फ्रूट तो खा ही नहीं रहे हो, ना एपिकार्प खा रहे, ना मीजोकार्प खा रहे, ना एंडोकार्प खा रहे, तो खा क्या रहे हो आप, एक्चुअली सीड खा रहे हो कोकोनट में, और सीड का भी एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट एंडोस्पर्म खा रहे हो. इसके अंदर निकलती है गिरी,
गिरी, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। फिर उसके अंदर निकलता है पानी, पानी क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। पहले पानी होता है, गिरी होती नहीं है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, फिर वो धीरे धीरे सेलुलर बन जाता है। एंडोस्पर्म में ऐसे होता है ना, एंडोस्पर्म इज फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर, देन इट बिकम्स सेलुलर। ठीक है, तो आप एंडोस्पर्म खा रहे हो, आप सीड खा रहे हो बेसिकली, कोकोनट में, कोकोनट और मैंगो दोनों ड्रूप्स हैं, ध्यान रखो। सीड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एकोमिक्सिस। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की जो लेयर्स होती हैं वही सीड की लेयर्स बन जाती हैं। देर आर टू लेयर्स, इनर टेगमेन एंड आउटर टेस्टा। हाइलम क्या होता है, स्कार वेयर डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू फ्यूनिकल या फ्रूट। जैसे अब ये फ्यूनिकल पे लगा होता है ना, तो यहाँ पे एक निशान मिलेगा, उसको हाइलम बोलते हैं, जहाँ से ये अटैच होती है फ्यूनिकल। अबव हाइलम देर इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल मिल जाता है, जैसे ये ओपनिंग जो होती है माइक्रोपाइल होती है बेसिकली। ठीक है, ये आपको सीड में भी देखने के लिए मिलेगी। सीड्स कैन बी एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस होते हैं, उसमें एंडोस्पर्म बचा होता है। देखो होता क्या है, जो डाइकॉट है, डाइकॉट में पहले एंडोस्पर्म बना, एंडोस्पर्म हमेशा पहले डेवलप हो जाता है, फिर जाइगोट डेवलप होना शुरू होता है। क्यों जाइगोट कहते हैं, मैं बड़ा कैसे होऊंगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो यू प्लीज डेवलप सम एंडोस्पर्म फॉर मी, बिकॉज एंडोस्पर्म इज फूड फॉर द डेवलपिंग जाइगोट, है ना। तो जाइगोट उस पूरे एंडोस्पर्म को खाके खत्म कर देता है, और वो खाना कहाँ भर लेता है, सीड जो है, जो जाइगोट है, वो अपने कॉटलिडन्स में भर लेता है, कॉटलिडन्स में फूड भर लेता है वो। तो डाइकॉट के पास दो बड़े बड़े कॉटलिडन होते हैं जिसमें उसने फूड भर लिया है, तो उसको एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो डाइकॉट्स में यू डोंट फाइंड एंडोस्पर्म, डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म ऑन मैचुरेशन। बीन, पी, ग्राम, ये सारे डाइकॉट से कैसे बचलेगा, खोल के देख लो, दो डाइकॉट्स, दो कॉटलिडन नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन इनका बहुत ही क्या बताएं, बहुत दुख भरी कहानी है। जाइगोट डेवलप्स, एंडोस्पर्म बन जाता है, फिर जाइगोट कहता है ओके आई एम गोइंग टू डेवलप नाउ। बेचारा जाइगोट खा खा के भी सिर्फ एक ही कॉटलिडन बना पाता है, दूसरा सा कॉटलिडन मरा हुआ सा होता है, एपिब्लास्ट बोलते हैं उसको, एक ही कॉटलिडन बनाता है जिसको स्कूटलम बोलते हैं। तो वो स्कूटलम में इनफ नहीं है खाना, इसलिए एंडोस्पर्म परसिस्ट्स इन द मैच्योर सीड। जैसे कि मोनोकॉट्स, कैस्टर, मेज, वीट, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है। पेरिस्पर्म क्या होता है, जब न्यूसेलस भी बचा हुआ हो, ये कहां मिलता है आपको, क्वेश्चन आएगा, पेरिकार्प, पेरिस्पर्म मिक्स नहीं करना है। अगर डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर आप देखो, इस पे से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखो। बंद में आपको यहाँ पे छेद नजर आएगा जो कि माइक्रोपाइल है, उसके ऊपर आपको हाइलम नजर आएगा। अगर आप खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये कॉटलिडन है, डाइकॉट, एंडोस्पर्म नहीं होगा इसमें क्योंकि कॉटलिडन है, भर भर के फूड है, क्या करना है, एंडोस्पर्म काम है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसको एपिकोटाइल, जो नीचे है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल एंड्स इन प्लम्यूल, हाइपोकोटाइल एंड्स इन रेडिकल, रेडिकल गिव्स राइज टू ऑल द रूट्स, प्लम्यूल गिव्स राइज टू ऑल द शूट्स, शूट सिस्टम। रूट के नीचे आपको रूट कैप नजर आती है यहाँ पे, जो कि ग्रोइंग टिश्यूज को बचाती है, क्योंकि नीचे जा रहा है, फ्रिक्शन होगी सॉइल से तो बचा लेगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर। अगर आप मोनोकॉट सीड की देखें तो ये साइड से बनाया हुआ सीड है, सिर्फ एक कॉटलिडन है, इसको स्कूटलम बोलते हैं, बेचारा मर गया यहाँ पे, छोटा सा एपिब्लास्ट। ये बीच में ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक एम्ब्रियोनल एक्सिस में, यही ऊपर
प्लोम्यूल जिसको शूट एपेक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे रेडिकल रूट एपेक्स, रूट एपेक्स भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे रूट कैप। लेकिन मोनोकॉट में यार इतना बुरा हो रहा है बेचारों के पास, एंडोस्पर्म है बेचारों के पास, दो कॉटलिडन भी नहीं है, एंडोस्पर्म से काम चलाना पड़ रहा है, तो इनको थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा दे दो, इनकी शूट को कवर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स दे दो जिनको हम कोलियोप्टाइल बोलेंगे, और रूट को कवर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स दे दो जिनको हम कोलियोराइजा बोलेंगे। कोलियोराइजा में आर आता है, ये रूट को प्रोटेक्ट करता है, कोलियोप्टाइल में आर नहीं आता, ये शूट को प्रोटेक्ट करता है, प्लम्यूल को प्रोटेक्ट करेगा, पी आता है। तो सीक्वेंस क्या होगा, रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा। इस डायग्राम पे भी मैंने क्वेश्चन दिया था आज मॉक टेस्ट में, जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, पुराना उन्होंने नहीं मेरी अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैं बता देती हूँ भैया, बहुत अच्छी मॉक टेस्ट की सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, और वो मैं बना रही हूँ, मतलब ये नहीं मैं बना रही हूँ कि सारे क्वेश्चन स्क्रैच से बैठ के मैं बना रही हूँ, मतलब मैं उसको डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं उसमें क्वेश्चंस मॉडिफाई कर रही हूँ, नए क्वेश्चंस डाल, जैसा मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसको बना के आप लोगों को हर रोज़ 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ, ऑल होल सिलेबस टेस्ट है वो, ठीक है, वो 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी, 35 15 35 15, सो वो आपको क्लास लगानी है हर रोज़ सुबह 10 बजे, 10 जुलाई तक ये चलेगा, स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाली है, अरे तुम मैं मॉक टेस्ट लिख दो तो वो आ जाएगा करके, उसमें सारे लिंक्स हैं, या तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कर लो ना टेलीग्राम ज्वाइन, पता नहीं कितनी बार बोलना पड़ता तुम लोगों को, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लो, मैं करा के दे देती हूँ तुम लोगों को, नहीं हो पा रहा है तो ऋतु रत्तेवाल लिखो, वहाँ पे 75,000 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उस पे जाओ, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। वो टेस्ट दो, टेस्ट देने से बहुत क्लैरिटी आती है बंदे को, क्या आता है क्या नहीं आता। देन एक और डायग्राम दिया हुआ है मोनोकॉट का, तो वो मैंने थोड़ा सा वो भी बना के, मेज, ये मेज का सीट दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली इसमें स्कूटेलम है, दिस इज द स्कूटेलम, यहाँ पे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये प्लोम्यूल है, ये रेडिकल है, ये कोलियोराइजा है, ये कोलियोप्टाइल है, इतना तो अपने को पता है। इसमें अपने को स्कूटेलम बड़ा छोटा नजर आ रहा है, इसके स्कूटेलम में कोई जान नहीं है बिल्कुल भी, अपने को एंडोस्पर्म नजर आ रहा है अच्छे से, ठीक है, एंडोस्पर्म भर भर के, जो एडिबल पोर्शन है वीट का या मेज का, वो एंडोस्पर्म ही खा रहे हो आप, मेनली सीड ही खा रहे हो आप, है ना, सीड का एंडोस्पर्म। इसके ऊपर आपको एल्यूरॉन लेयर नजर आ रही है ऐसे, विच इज अ प्रोटीनेशियस लेयर, ठीक है, और उसके तो दिस इज अ सीड बेसिकली, तो ये सीड की कवरिंग है जो टेस्टा टेगमेन होती है, ठीक है, लेकिन आपका जो फ्रूट है जो पेरिकार्प है ओवरी की, वो कभी फ्लैशी हो ही नहीं पाई, वो बिल्कुल ड्राई और पेपरी है, तो वो साथ में ही चिपकी हुई है, तो फ्रूट वॉल भी यहीं पे है, तो आप खा तो रहे हो वैसे सीड और फ्रूट का कॉम्बिनेशन, लेकिन फ्रूट में है ही नहीं, जानी नहीं है, तो सीड ही खा रहे हो मैंने। ये भी एक डायग्राम दिया बीच में एम्ब्रियो ऊपर एंडोस्पर्म दिखाया हुआ, आओ फैमिलीज करें। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, इसमें कुछ सिंबल्स हैं, उनका क्या मीनिंग है, बी आर मतलब ब्रैक्टेट, के मतलब कैलिक्स, सी मतलब करोला, नहीं तो दोनों का सी नहीं दे सकते थे ना, पी मतलब पेरियंथ, ए मतलब एंड्रोशियम, जी मतलब गाइनोशियम, जी के नीचे डंडी है तो सुपीरियर ओवरी, पायदान पे बैठी हुई हैं ओवरी तो सुपीरियर ही है, जी को नीचे दबा दो तो इन्फीरियर ओवरी, मेल फीमेल बायसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक। प्लांट फैमिलीज, चार फैमिलीज हैं, ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलनेसी, लिलियसी, पहली तीन डाइकॉट है, लास्ट वाली लिलियसी मोनोकॉट है, इनको ऐसे रखना है। पहली वाली में देखो, ब्रासिकेसी के बारे में ज़्यादा नहीं बताया हुआ, यहाँ से सुनो, एक कार्पल, दो कार्पल, तीन कार्पल, ध्यान रखो, ठीक है, ये सारी एक्टिनोमॉर्फिक हैं, फेबेसी को छोड़ के, लेग्यूमिनोसी को छोड़ के। देन अच्छा, ये 2 के मल्टीपल्स में है इसके सारे फिगर्स, इसके 5 के मल्टीपल्स में है, इसके 5 फ्यूज्ड के मल्टीपल्स में है, और इसके 3 फ्यूज के मल्टीपल्स में, डेंटल फार्मूला क्यों लिखा है पता नहीं मुझे, 2553, ये सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, आओ
फेबेसी लेग्यूमिनोजी पेप्लिनोइडी एक ही बात है तुम्हारे लिए, ठीक है? सारा ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सब इसी का ही एग्जाम्पल है। क्या स्टोरी से याद करना है? एक बहुत गरीब फार्मर था, इन्हीं की गरीब फार्मर है बेचारा, रेस लगाएगा, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होती है इसमें, ठीक है? वो दालें उगाता था, फिर इसने कहा क्यों ना मैं अपनी दालों को कलर कर दूँ, ठीक है, क्यों ना मैं अपनी दालों को कलर कर दूँ, कलरफुल दालें और महंगी बिकेंगी। तो उसने कलर कर दिया अपनी दालों को ब्लू, इंडिगो फेरा से, नील से, और फिर उसने अपनी दालों को एक रस्सी में बांधा अच्छी तरीके से, फाइबर से, सन हेम्प का फाइबर है, और फिर लेग्यूम्स को ले गया। लेकिन किसी ने खाई नहीं उसकी दालें, कि भैया कलरफुल दालें कौन खाना चाहता है। तो उसको जानवरों का चारे के रूप में बेचनी पड़ी अपनी दालें, एनिमल फॉडर, सिसबेनिया एंड ट्राइफोलियम, ठीक है? और फिर बेचारा मतलब बड़ा ही परेशान होके जो थोड़े बहुत पैसे मिले उससे थोड़ी मेडिसिन लाया, मुलेठी, ठीक है, और थोड़े से ऑर्नामेंट लाया, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, प्लांट्स, ल्यूपिन एंड स्वीट पी फॉर हिज वाइफ। तो एग्जाम्पल है सोयाबीन, इंडिगोफेरा, सन हेम्प, सोयाबीन लेग्यूम सारी की सारी, इंडिगोफेरा कलर, फाइबर मतलब सन हेम्प, याद रखना है, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही, याद कराने के लिए बोल रही हूँ बार बार, फॉर्डर, सिसबेनिया, ट्राइफोलियम, और खुद भी याद करने के लिए बोल रही हूँ, मेडिसिन मुलेठी, ऑर्नामेंट्स, ल्यूपिन एंड स्वीट पी। फ्लोरल फॉर्मूला देखो, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन सारी लेग्यूमिनोजी में है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, के फाइव मतलब इसके सेपल फाइव फ्यूज्ड, नहीं हाँ सेपल फाइव फ्यूज्ड, कोरोला 1+2+2 फ्यूज्ड, एक ये क्या है, स्टैंडर्ड या वेक्सिलम, ये कौन से विंग्स, ये क्या है कील, तो कील जो है वो टू फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम 9+1 एंड्रोशियम, देखो डायडल्फस कंडीशन नजर आ रही है यहाँ पे लेग्यूमिनोजी में, तभी तो पी में डायडल्फस कंडीशन नहीं थी, पी में पी भी तो लेग्यूमिनोजी है, डायडल्फस कंडीशन, एक ग्रुप ये है एंथर्स का जिसमें सिर्फ एक ही एंथर है, और एक ग्रुप ये जिसमें 9 है, डायडल्फस कंडीशन। गाइनोशियम सुपीरियर, सुपीरियर सबका गाइनोशियम सुपीरियर है जितनी हम बात कर रहे हैं, देखो, और एक देखो गाइनोशियम, अच्छा मैंने यहाँ नहीं लिखा, गाइनोशियम सबका सुपीरियर है, और एक कार्पल है, फेबेसी की बात कर रहे हैं, ब्रासी किसी में ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ। आओ सोलनेसी, पोटैटो फैमिली, सोलन एक हिमाचल प्रदेश में एक शहर है, बहुत सुंदर शहर है, तो सोलन की वादियों की बात करेंगे हम इसमें, पहाड़ों के बीच में, ठीक है? सोलन में एक कपल रहता था, बेला मतलब बेलाडोना जो वाइफ है, और अश्विन जो हस्बैंड है, अश्वगंधा। ये शाम को टहलते हुए वेलवेट के कपड़े पहन के टहलते थे, खुश थे बहुत ज़्यादा, शाम को टहलेंगे, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, वेलवेट के कपड़े पहनते, वेलवेट एस्टिवेशन। फिर एक दिन बेला ने आलू बैंगन की सब्जी बनाई, आलू बैंगन तो मतलब पोटैटो और ब्रिंजल इसी का एग्जांपल है, लेकिन उसमें मिर्च ज़्यादा गिर गई, तो मतलब चिली भी इसका एग्जांपल है। तो अश्विन ने लड़ाई कर ली खतरनाक तरीके से, ठीक है, और कहता भाड़ में जाओ तुम, और जाके बाहर जाके सिगरेट पी उसने, टोबैको, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है। तो वाइफ ने कहा बेटा लड़ाई लुड़ी ठीक है, ये सिगरेट नहीं चलेगी, और वाइफ ने हस्बैंड की पिटाई कर दी, फिर अच्छे से पिटाई, पिटूनिया, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला देखो, एक्टिनोमॉर्फिक, सारी सोलेनेसी एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल, फाइव फ्यूज्ड है ना इसका, फाइव फ्यूज्ड है ना सब कुछ, कैलिक्स फाइव फ्यूज्ड, कोरोला फाइव फ्यूज्ड, ये देखो कोरोला फाइव फ्यूज्ड, एक्टिनोमॉर्फिक कितना सुंदर दिख रहा है, और एपीपेटलस कंडीशन है, देखो जो स्टेमन है उसके ऊपर जुड़े हुए हैं। तो तुम्हें देखते ये देखते पहचान में आ जाना चाहिए, ये ब्रिज सा, गाइनोशियम सुपीरियर एंड टू। आगे चलो, लिली ऐसी, लिली कॉलेज की लड़कियों का नाम होता है, ओह आई एम लिली, हाई नाइस, नाइस टू मीट यू, आई एम लिली। पता नहीं कौन बच्चे अपनी मम्मी, कौन मम्मी पापा अपने बच्चों का नाम लिली रखते हैं, मेरे माँ बाप ने तो नहीं रखा, कुछ रख देते मेरा नाम रोजी लिली तो मुझे भी अच्छा लगता, ऐसे घूमती मैं, हाई आई एम लिली, हाई आई एम रोजी।
या तो पूरा ही ट्रेडिशनल रख देते हैं। हाय आई एम सरस्वती, हाय आई एम लक्ष्मी, बीच से का नाम रख दिया है, ना इधर का ना उधर का। तो स्टोरी है कि दो कॉलेज की लड़कियां थी, लिली और ट्यूलिप, है ना, फैंसी नाम, अंग्रेजी नाम। वो भी शाम को वेलवेट के कपड़े पहन के घूमती थी। शाम को, शाम कैसे लिखते हैं भाई। तो साइमोस इनफ्लोरेसेंस और वेलवेट के कपड़े पहन के घूमती हैं, तो वेलवेट एस्टिवेशन। कॉलेज गर्ल्स है, कॉलेज गर्ल्स, कॉल्ची सीन भी इसे का ही है। कॉल्ची सीन इज अ डाई एंड दे वर लाइक वी नीड टू हैव ब्यूटिफुल स्किन एंड ब्यूटिफुल हेयर बिकॉज वी आर कॉलेज गर्ल्स। कॉलेज गर्ल्स नीड टू हैव ब्यूटिफुल स्किन एंड ब्यूटिफुल हेयर। सो ब्यूटिफुल स्किन के लिए एलोवेरा लगाती थी, सो एलो। एंड ब्यूटिफुल हेयर के लिए अनियन लगाती थी, प्याज का रस नहीं लगाते बालों के लिए, तो अनियन ऑल्सो। एंड देयर स्किन यूज टू ग्लो बिकॉज ऑफ एलोवेरा, सो ग्लोरियोजा। और एक एस्पेरागस भी है, मुझे नहीं पता ये कैसे याद होगा। आगे चलो, फ्लोरल फॉर्मूला। ये इकलौता मोनोकॉटलिडन की फैमिली है, बाकी सारी डाइकॉट है। ब्रैकेट हैं, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियन थे इनमें। टेपल और सेपल में कोई फर्क ही नहीं, सॉरी सेपल और पेटल में कोई फर्क ही नहीं है, तो हर एक ये इनका टेपल है। 3+3 का ग्रुप है, 3 अंदर 3 बाहर। और एपीफाइलस कंडीशन है, देखो इसके ऊपर टेपल के ऊपर लगे हुए एपीफाइलस कंडीशन है। और देखो लेंथ में फ़र्क है, वैसे मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया, ये लेंथ में फ़र्क है। ये वाले लंबे हैं, ये वाले छोटे हैं, जो अंदर के लगे हुए हैं छोटे हैं, ये बाहर वाले लंबे हैं। इसमें डायग्राम में इतने अच्छे से नहीं दिख रहे, इनमें वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन है। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन है, ठीक है। यहाँ ही पे मेरा चैप्टर खत्म होता है, और मैं तुम्हें अब थोड़ा सा एनसीईआरटी करा देती हूँ, जो मुझे लगता है कि कराना चाहिए। एक बार एनसीईआरटी से डायग्राम देख लेना भैया इनके सारे। देखो आओ फेबिस के बारे में पढ़ते हैं। मुझे पता है तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा उजाला हो गया, बट चलो कोई बात नहीं। पैप्लिनोडी भी इसे कहते हैं, लेग्यूमिनोजी की सब फैमिली है ये, लेग्यूमिनोजी की सब फैमिली है। देखो यहाँ से रूट नोड्यूल्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, तुम लोगों को पता है कि भैया लेग्यूम्स में राइजोबियम बैक्टीरिया घुस जाता है रूट में, ठीक है, और वहाँ से सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रूट नोड्यूल बना लेता है, जो कि हम पूरा पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन में, है ना। राइजोबियम एनरोबिक कंडीशंस में नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करके ऊपर भेज देता है लेग्यूमोग्लोबिन की प्रेजेंस में। लीव्स का मुझे नहीं लगता आएगा कि पुलविनेट ये वो, मुझे नहीं लगता आएगा स्टिपुलेट, आई डोंट थिंक। अब आई जाए तो भाई किस्मत ही ख़राब है फिर तो। रेसिमोस बेचारा फार्मर परेशान था, फार्मर वाली स्टोरी थी ना इसमें, तो भागता रहता था बेचारा, यू नो दालें उगाता था, फिर दालों को लेके भागता हुआ जाता था मार्केट में, बहुत भागता था। तो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है, ठीक है। अरे यार मैंने कैलिक्स बता दिया, ये नहीं वेलवेट नहीं, ये तो कैलिक्स की है, ये नहीं करना अपने को, ठीक है। देन ये वाली बात अपने को पता है, डायडल्फस कंडीशन ही अपने को पता है, जैसे पी में आपको एग्जांपल है डायडल्फस कंडीशन का। गायनोशियम ओवरी सुपीरियर मोनोकार्पिलरी यूनिलोकुलर विद मैनी ओव्यूल्स। चलो यहाँ पे अपने कुछ नहीं चाहिए, एग्जाम्पल देख लो,
पल्सेस दालें उगाता था, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, क्योंकि सेम भी तो पूछ सकता ना, तुम्हें पल्सेस ही याद रह जाएं और सेम तुम्हें याद ना हो कि सेम इज़ अ पल्स. फिर ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन ग्राउंडनट. ऑयल तो हमने किया नहीं यार, ऑयल भी करना चाहिए था ना, जब फार्मर घर आ रहा था तो थोड़ी मेडिसिन और थोड़ी वाइफ के लिए ऑर्नामेंट्स लेके थोड़ा तेल भी ले आता घर में, थोड़ी सब्जी बन जाएगी तेल से. बताओ सोयाबीन ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट यहीं पे आता है, देख लो. डाई, इंडिगोफेरा, फाइबर, सन हेम, फॉर्डर, सेस्बेनिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल्स, ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिन मुलेटी. सोलनेसी को पोटैटो फैमिली बोलते हैं. पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलनम ट्यूबरोजम. साइमोज इनफ्लोरेसेंस. वेलवेट एस्टिवेशन. कैलिक्स की एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोरोला की एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट है. एपीपेटलस कंडीशन ये अपने को पता है. ये फोटो है देख लो भैया, किस किस का. ये सोलनम नाइग्रम मकोई, ये तो मैं पता होना चाहिए साइंटिफिक नेम. सोलनम नाइग्रम मकोई, देखो पीछे तो नहीं दिया होगा. पीछे तो नहीं दी हुई कोई फोटो. पाइजम सैटिवम, ये तो तुम्हें पता ही है, जो मेंडल ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, पाइजम सैटिवम पी प्लांट है ना, उसमें अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है. यहाँ मकोई की चिंता करने की जरूरत है अपने को. सोलनम नाइग्रम का फोटो है, फोटो डाल के पूछना ले तुम लोगों से कहीं, ठीक है. एग्जाम्पल देख लो, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो. अच्छा टमाटर की भी यार सब्जी में टमाटर भी डाल देना, ब्रिंजल और आलू की सब्जी में टमाटर भी डाल देना और मिर्ची भी डाल देना थोड़ी. स्पाइस, मेडिसन, बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, ऑर्नामेंटल, प्यूटूनिया. लिलियेसी, कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, मोनोकॉटलिडनस है ये, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड. इनफ्लोरेसेंस, साइमोज या सोलिट्री भी हो सकता है. वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट के कपड़े पहनती हैं शाम को घूम के, शाम को घूमते हुए. एपिटेपलस कंडीशन है, ठीक है. ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, ठीक है. ट्यूलिप, ग्लोरियोजा, एलो, एस्पैरागस, कोल्चिसिन. और अनियन की फोटो भी दी होगी यहाँ पे, एलियम सिपा की. ये रहे एलियम सिपा अनियन. प्लांट इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लोरल डायग्राम. इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है. क्वेश्चंस करोगे यार? ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा. कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? अच्छा मेरी क्वालिटी बहुत कम हो रखी है यार, ऐसे मत करो. कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? अपनी एनसीईआरटी से देख लो. ऑस्मोसिस पैसिव होता है जो बच्चा पूछ रहा है. बुक से कर लो ये डायग्राम्स, बुक से कर लो, साथ साथ में एनसीईआरटी खोल के रखो. आओ थोड़े क्वेश्चंस करें. ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं भी डाल दूंगी आप लोगों के पास टेलीग्राम पे, ठीक है. आओ 2020 का क्वेश्चन है, आ जाओ. द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर. The roots that originate from the base of stem are. बोलिए. बताओ जो स्टेम की बेस से रूट निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइबरस रूट नहीं बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट भी बोल सकते हैं, पर एडवेंटिशियस रूट का ऑप्शन नहीं है. नीट 2020 में क्वेश्चन था. नीट 2018 में क्वेश्चन था. स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड.
स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड। अरे यार वीडियो लाइक कर दो मेरी, तुम लोग क्या लाइक किए भाग जाते हो बिना लाइक किए? बहुत गलत बात है यार ये, तुम्हारी मेरी लड़ाई होने वाली है इस बात पे। लाइक कर दो यार। एडवेंटिशियस रूट, रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। ये अच्छा क्वेश्चन है। रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। देखो जो वाटर प्लांट्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, प्लांट बॉडी अपने जनरल सरफेस से ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, हर कोई पार्ट अपने ही उससे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रूट का इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। और पिस्टिया और आइशर्निया हमने पढ़ा है वाटर प्लांट्स हैं। 2000, इतना वैसे पीछे जाने की जरूरत नहीं है बट ठीक है, रेलिवेंट क्वेश्चन है। न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन मार्शी एंड सलाइन एरियाज। ए चलो इतना पीछे नहीं जाएंगे। एक ये वेलामिन, वेलामिन पे बहुत क्वेश्चन आता है, ये एक बार ये क्वेश्चन कर लो। अभी ये आई थिंक KCET में या JKCET में आया था क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था कि वेलामिन कहाँ मिलता है, 1991 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा वेलामिन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। वेलामिन ऑर्किड नाम के पौधे में मिलता है, ऑर्किड जो कि एक एपीफाइट है, ये पैरासाइट पौधा नहीं है, एपीफाइट है मतलब ये ऊपर उगता है मैंगो वगैरह के, तो इसको धूप वगैरह मिल जाती है मैंगो के ऊपर उगने से, लेकिन मैंगो कोई नुकसान नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन को हम कोमेंसलिज्म बोलते हैं, जहाँ एक का फ़ायदा हो रहा और दूसरे कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो इसकी कुछ एरियल रूट्स होती हैं, जैसे एरियल रूट्स होती हैं ऐसे, उन रूट्स के ऊपर एक टिश्यू होता है जिसको वेलामिन बोलते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये एयर से मॉइस्चर लेता है ताकि प्लांट को वाटर मिल सके, ठीक है। सो ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है रूट का, ठीक है, जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है। चलो द स्टेम, 2017 का क्वेश्चन है। बोगनविलिया में स्टेम्स आर द थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, बोगनविलिया में थॉर्न्स किस चीज की मॉडिफिकेशन है? रूट की नहीं है, लीफ की नहीं है, स्टिप्यूल की नहीं है, एरियल बर्ड की है, सॉरी एक्सिलरी बर्ड की है। तो एक्सिलरी बर्ड तो स्टेम का ही पार्ट है, मैंने बताया था, है ना। आगे आ जाओ, देखो जो अपन ने किया है उसमें से क्वेश्चंस हैं, अगर तुम NCERT ठीक से पढ़ लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, बताओ। ये भी किया है अभी क्वेश्चन, मैम आप हमारे कमेंट, क्या कमेंट्स देखूं भाई तुम्हारे, तुम्हारे कमेंट्स में यही चलता है कौन किससे प्यार करता है, तो मैं बस मन को ऐसे ही शांत कर लेती हूँ ये सोच के कि जिसे पढ़ना होगा उस तक मेरी क्लास पहुँच जाएगी, उसका फ़ायदा हो जाएगा, कोई बात नहीं। पिक्चर ऑफ निपेंथिस, निपेंथिस क्या है, पिक्चर प्लांट जो इंसेक्टिवोरस है, तो वो लीफ का मॉडिफाई होता है ना वहाँ से, समझ रहे हो। स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज, कल जिन बच्चों को नहीं पता, कल एनाटॉमी का वन शॉट है, एनाटॉमी का वन शॉट है एट 3 PM टुमारो, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा आपको।
फाइलोक्लेड है। जब पूरी स्टेम मॉडिफाई हो गई तो वो फाइलोक्लेड है। अगर स्टेम का कोई पार्ट मॉडिफाई होता, एक या दो इंटरनोड मॉडिफाई होते, तो क्लैडोड होता। अगर जो पिटियोल है वो मॉडिफाई होता फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो फाइलोड होता। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज अंडरग्राउंड स्टेम की बात है। ये रूट है, ये रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, तो क्या हुआ, ये रूट है, ये सीड है। स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस, हटाओ इसको, क्वेश्चन को, बहुत पीछे आ गए हम, आगे चलते हैं। करो। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स इन, 2015 का क्वेश्चन है। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स इन, स्टेम इज फोटोसिंथेटिक, लीव्स आर स्पाइन। ये था हाउ मेनी प्लांट्स अमंग इतना 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 हैव ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। देखो ऑपोजिट फाइलोटैक्सी अपने क्या किया था, ऑसम कागा, ऑसम कागा, गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड ऑसम ऑसिमम, थ्री। आगे फाइलोड इज प्रेजेंट इन, नहीं चाहिए। अच्छा हाँ चाहिए चाहिए चाहिए, फाइलोड इज प्रेजेंट इन, ये तो चाहिए। फाइलोड किस में होता है जल्दी बताओ, ये कॉन्सेप्ट किसने सिखाया कि अगर कोई टीचर है तो वो डांस नहीं कर सकता? ये कॉन्सेप्ट किसने तुम्हें सिखाया कि टीचर है तो रोबोट है, अगर वो नाचेगा तो वो अश्लील हरकतें कर रहा है? हैं? ऐसे तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी सोसाइटी की गलती है जो ऐसी बातें तुम्हें सिखा रहे हैं। तुम तो बच्चे हो। वर्ल्ड सिंपल लीव्स कहां मिलती, किसमें मिलती है बताओ? तुम्हें किसने सिखाया ये बात कि डांस करना इज नॉट अ गुड थिंग, डांस इज अ वेरी बैड थिंग, इट इज अगेंस्ट अवर कल्चर? डांस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। डांस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी हैव एज ह्यूमन बीइंग्स। म्यूजिक एंड डांस हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती हैं चीज़ें। हम क्या हैं, हम जानवर ही तो हैं जो कि अपने आप को खुश फील कराना चाहते हैं, जैसे कि मंकीज अपने आप को खुश फील कराना चाहते हैं। ठीक है, तो मंकीज खेल खेल के फील कराते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। तुमने देखा नहीं कैसे मंकी के बच्चे खेलते हैं? वैसे हम भी ऐसे काम करते हैं, वी डांस, वी लिसन टू म्यूजिक, वी हग ईच अदर टू फील गुड, टू फील हैप्पी, एंड देन वी डाई जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल। सो ये इतना मॉरलिस्टिक स्टैंडर्ड आया कहाँ से है तुम्हारे पास? ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए, ये खिलाफ है। किसके खिलाफ है भाई? इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोज इन, रेस कहाँ लगी है? ब्लर आ रहा है तो बेटा वो करो, क्वालिटी बढ़ाओ। स्क्रीन ब्लर है तो क्वालिटी बढ़ाओ बेटा। नो, इट इज़ नॉट अबाउट हैविंग अ पर्सनल लाइफ कि मैम आपकी पर्सनल लाइफ है आप डांस कर सकते हो। नो, आई कैन डांस पब्लिकली, एवरीबडी कैन डांस, एवरीबडी शुड डांस पब्लिकली। द पीपल हु डांस, हु सिंग, दे डोंट डू वायलेंस, ओके? इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। रेस लगती है, फार्मर रेस लगाता है लेग्यूमिनोसी फैमिली में। सबको डांस करना चाहिए, तुम लोगों को भी करना चाहिए। बोलो साइमोस इनफ्लोरेसेंस। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे एक्चुअली मैं अपनी सोसाइटी पे
ऐसे आता है मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाय बेचारे बच्चे, इनको कौन सिखाता है ऐसी बातें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कैसे लिख दिया मेरी वीडियोज़ के नीचे। मुझे ऐसे फील होता है यार, क्या यार बेचारों को किसने सिखा दिया, इनको किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि डांस करना कितनी अच्छी बात होती है। एवरीबडी शुड डांस, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। एक सॉलिटरी फ्लावर थोड़े भी होता है, फ्लावर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अंत में टर्मिनेट्स इन टू फ्लावर ना। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहाँ मिलेगी आपको बताओ, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहाँ मिलेगी आपको 2012? बल्कि जब तुम डांस करो करो ना, तो वो वीडियो जब इंस्टाग्राम पे डालो तो मुझे टैग किया करो, या मेरे को उस पर भेजा करो, डीएम किया करो, मैं तुम्हारी वीडियोस फीचर करूँगी अपने इंस्टाग्राम पेज पे। अपनी तैयारी करो, अपना पेपर दो, ठीक है, उसके बाद मिलके डांस करेंगे तुम और मैं। साइमोज शाम को कौन घूम रहे थे, सोलानम वाले घूम रहे थे और एक लिलीएसी वाले घूम रहे थे, तो सिसबेने तो लेग्यूमिनोजी में, वहाँ तो नहीं घूम रहे थे, ट्राइफोलियम भी लेग्यूमिनोजी में, ब्रासिका ब्रासिकेसी में, आंसर सोलानम हो गया। लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ अ यंग कॉब ऑफ मेज आर, लॉन्ग जैसे भुट्टा होता है ना, भुट्टा छल्ली यंग कॉब, उसमें से ऐसे वो नहीं निकल रहे होते धागे धागे, ये क्या है जो धागे निकल रहे होते हैं, फिलामेंटस थ्रेड्स निकल रहे होते हैं, ये पूछ रहा है वो। ये बेटा स्टाइल्स हैं, ये बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, ये स्टाइल्स हैं ऐसे जो बाहर लटके हुए हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन, आओ भाई आगे आ जाओ, कितना पीछे चले गए हम, हाई पेन थोड़ी हमने चाहिए, इधर आ जाओ। नीट 2021, डायडेल्फस स्टेमन इज फाउंड इन, डायडेल्फस पी में है, चाइना रोज में क्या है, चाइना के बंदे की हमने पोनी बना दी थी ऊपर, मोनोएडेल्फस। सिट्रस में क्या है, स्पाइक्स खड़े कर दिए तो उसमें लेमन लगा दिया था एक एक, पॉलीएडेल्फस, ठीक है। 2020 रे फ्लोरेट्स हैव, रे फ्लोरेट्स बताओ, करा दिया मोहम्मद इकबाल, मैम काइंडली ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स करा दो, मैंने स्पेशल क्लास में प्लांट किंगडम खत्म कराया बेटा, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, आप वहाँ नीट कैटेगरी चूज करो और वहाँ पे मेरी प्रोफाइल को सर्च करो, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस में जाओ, फ्री स्पेशल क्लासेस में जाओ, वहाँ प्लांट किंगडम का वन शॉट पड़ा हुआ है। जीआरसी गुआवा ग्रेस से हम जीते हैं जब हमें इन्फीरियर फील कराया जाता है, तो गुआवा रे फ्लोरेट्स एंड क्यूकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, इन्फीरियर ओवरी। ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन, अभी तो मैं नीट में बिजी हूँ, दिन रात नीट में बिजी हूँ, नीट के बाद देखो कितनी डांस वीडियोज डालती हूँ मैं। हाफ इंफीरियर प्लम पीच रोज, नीट 2019 प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट इज, पेरिफेरल इनर वॉल ऑफ ओवरी में, ये इनर वॉल है ना, ये कहाँ कौन लगता है इनर वॉल पे, हाँ जी बेटा गणेश न्यूरल कंट्रोल कराऊंगी बेटा मैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी वन शॉट पड़ा हुआ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी वन शॉट पड़ा हुआ है स्पेशल क्लासेस में। अरे पेराइटल है इसका आंसर, चलो नीट 2019 करो तो, प्लेसेंटेशन का क्वेश्चन है, न्यूरल का वन शॉट कराऊंगी बेटा।
बेसल बेस पे मासूम बैठा होता है, या तो मैरीगोल्ड या तो सनफ्लावर। एग्जाइल किसको एग्जाइल किया था हमने? चाइना रोज को किया था, टोमेटो को और लेमन को। पैराइटल पेरेंट्स मारते हैं और फिर तेल मालिश भी करते हैं मारने के बाद। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल प्राइड डायंथस। बना लो कौन सा बनेगा। द टर्म पॉलीडेल्फस इज रिलेटेड टू, किसके लिए रिलेटेड वर्ड है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की कई सारे ग्रुप्स हैं। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव डिफरेंट लेंथ्स ऑफ स्टेमन्स? यही तो मैं बता रही तुम्हें। करो 31 का क्वेश्चन करो। आओ देखें, थूक तेल। थूक तेल से याद कर लेंगे, थूक सलाइवा, सेल्विया मिल गया, तेल मतलब मस्टर्ड, मस्टर्ड मिल गया। उसके बाद सारे लिलिएसी के मेंबर्स ढूंढ दो। इंडिगोफेरा तो नहीं है, वो तो इसका मेंबर है फार्मर वाला, लेग्यूमिनोजी का। सिसबेनिया भी नहीं है, फॉर्डर है फार्मर वाला, लेग्यूमिनोजी का। एलियम है, एलियम सीपा। एलोय है, ग्राउंड नट भी नहीं, ग्राउंड नट भी लेग्यूमिनोजी है। रेडिश अपने को पता नहीं कहाँ है, ब्रासी कैसी है रेडिश? अच्छा हाँ, ग्राम भी नहीं है। टर्निप, टर्निप तो नहीं है, ट्यूलिप है, टर्निप थोड़े बे। तो आंसर क्या बना? चार। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, रेडियल सिमेट्री कहाँ मिलती है? नीट 2016। बायोमोलिक्यूल्स भी कराऊंगी बेटा। एडमिट कार्ड रिलीज कब होंगे बेटा? हाँ 4 तारीख होगी, 17 को पेपर है, इनके बीच में कभी भी हो जाएंगे रिलीज, टेंशन मत लो। 10 तारीख से पहले हो जाएंगे। अरे रेडियल सिमेट्री, एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली रेडियल लगाती है। मस्टर्ड चिली दतूरा, मस्टर्ड ब्रासिका, मस्टर्ड ब्रासिका फैमिली की है ना। कैसिया किसका है? पबजी सी कैसिया। जाइगो, जाइगो वाला है। पाइसम भी जाइगो वाला है। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, बोलो। एग्जाम्पल याद नहीं होते तो मैं 2 घंटे से क्या करा रही हूँ, एग्जाम्पल ही तो लर्न करा रही हूँ, अभी भी याद नहीं होते बेटा। अब ना याद हुए तो कभी ना हो पाएंगे। 2016 फ्री सेंट्रल, फ्री प्राइड, बहुत ही प्राइड फील करते हैं। प्रिमरोज एंड डायंथस, सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं हमारे। अ स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलिनोसी कोरोला इज ऑल्सो नोन एज, स्टैंडर्ड का एक और नाम क्या है? वेक्सिलम, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है तो नाम वेक्सिलम ही होगा, और क्या होगा? चलो यार खत्म करो क्लास, बहुत हो गया। सुपीरियर ओवरी कितनों की है बताओ? भाई यूट्यूब मैं सारे चैप्टर करा दूंगी नीट एस्पिरेंट, पर जरूरी नहीं है कि यूट्यूब पे कराऊं। स्पेशल क्लासेस पे जब करते हो तो करने क्यों नहीं आते हो वहां पे? आओ देखें क्या पूछा है। सुपीरियर ओवरी ना, सुपीरियर में एक तो एमसीबीसी, एम सी बी, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ठीक है, चाइना रोज, पोटैटो, सारी सोलेने से सुपीरियर है। ये इन्फीरियर है गुआवा, क्यूकम्बर भी इन्फीरियर है जीआरसी। अनियन कौन सा है? ये ट्यूलिप वाली फैमिली सुपीरियर है। ये सारी जितनी तुम फैमिलीज करते हो सारी सुपीरियर है। फेबेसी सुपीरियर है, सोलेने से सुपीरियर है, ये लिली से सुपीरियर है, ट्यूलिप सुपीरियर है।
एक दो तीन चार पाँच छः। चलो लास्ट क्वेश्चन करो, बहुत हो गया। एग्जाइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एग्जाइल को उसको दी थी हमने, चाइना रोज, लेमन और टोमेटो को। चलो कल अनाटमी पढ़ने पहुंच जाना, अनाटमी पढ़ने पहुंच जाना, ठीक है ना, 3 बजे। आई विल सी यू। 2023 का बैच शुरू हो रहा है अन अकेडमी पे, 2023 का बैच। एक बैच मैंने पहले शुरू किया था, वो चैप्टर्स मैं रिपीट करूँगी नए बैच में, 20 या 22 तारीख से। सो अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हो या 2022 के, और आपको लगता है कि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फॉर वेरियस रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने मेहनत नहीं की इसलिए नहीं क्लियर हो पा रहा है, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो आप 2023 का बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच अभी ओपन है ज्वाइन करने के लिए। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, नीट कैटेगरी को चूज़ करना है, और फिर वहाँ पे आपको अपना टाइम चूज़ करना है, कितने समय के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। आपको कोड डालना है ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके, RITU ऋतु मेरा नाम, उसको अप्लाई का बटन दबाना है। जब वो डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है, और फिर आपको बैच ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, मेरे प्रोफाइल में जाके वहाँ पे ज्वाइन बैच कर लेना है या इनरोल इन द बैच कर लेना है। 2024 का बैच ऑलरेडी चल रहा है, पर उसमें मैंने अभी बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं है। आई हैव जस्ट टॉट देम सम पार्ट ऑफ टिश्यू एंड आई हैव स्टार्टेड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो जो 2023 वाले बच्चे हैं वो 2024 के बैच में भी आएंगे, क्योंकि मैं सेम ही स्पीड पर पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारा सिलेबस आपका मैं वहाँ कवर कर दूँगी, ठीक है। 2023 में भी कवर करूँगी, बट अगर आप लर्न करना चाहते हो तो यू शुड, मतलब आप रिपीटेड चीज़ें करो, ठीक है। अभी 2024 का चल रहा है, आके पढ़ लो, उसमें प्यार से आराम से चला हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे बेसिक्स पढ़ा रही हूँ। तो जो 2023 के बच्चे जिनको बेसिक्स नहीं आते अभी, है ना, कुछ बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास स्कूल में अच्छा नहीं स्कूल था, कुछ भी नहीं पता चल रहा, ठीक है, कोचिंग भी कभी नहीं ली है, वो 12th के बाद ही पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप 2024 वाला बैच भी लगाओ, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल्स ज़्यादा कराती हूँ, ठीक है, डिटेल एज इन बेसिक्स ज़्यादा कराती हूँ, कि बेसिक्स से उठा उठा के धीरे धीरे ऊपर, जैसे 10वीं के बच्चों को कराया जाता है। तो आप 2024 वाले बैचेस की सारी क्लासेस लगाइए, और उसकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप 2023 को एम कर रहे हैं तो दिस नाउ इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन, ठीक है। चलो आई विल सी यू फॉर अनाटमी एट 3 PM टुमारो, एंड आई विल सी यू फॉर द मॉक टेस्ट एट 10 AM टुमारो, ओके। Thank you.